ठीक है। सो गाइज, अभी आज की क्लास में हम लोगों को एनर्जी, मोमेंटम और रोटेशन के बारे में कुछ कुछ बातें करनी है, एंड लेट अस ट्राई टू टॉक अबाउट देम। तो ये एक क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल इज प्लेस्ड on the top of a hemispherical shell of same mass. Shell is free to move on the smooth ground if the particle is given a gentle push. If the particle is given a gentle push and reaches to the angular position theta हो गई q की जगह हमने लिया है, then for an observer fixed on the shell, ratio of reaction force exerted by shell to the pseudo force as observed from shell, ratio of reaction force exerted by the shell to pseudo force acting on the particle, वो निकालना है। I think it's not really a question of energy and momentum, it's a question of new dynamics actually. So basically ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ये जो हेमिस्फेरिकल शेल है, इसका मास ms, पार्टिकल का मास में, जब ये ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा तो इस पे अगर हम फोर्स देखेंगे इस ब्लॉक पे, तो एक mg फोर्स इधर की तरफ होगी। ये दो ही फोर्सेस होंगी क्योंकि दो सरफेसेस, एक सरफेस से कांटेक्ट में और एक mg एक बॉडी पे लगती है। इस बड़े वाले स्फीयर के लिए देखेंगे तो एक mg फोर्स नीचे होगी, हेमिस्फीयर के लिए देखेंगे एक नॉर्मल फोर्स ग्राउंड से लग रही होगी। हाउएवर ये दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके मोशन में, मोशन तो इस नॉर्मल फोर्स की वजह से होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो यही फोर्स होगी। ठीक है। नाउ यू नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय शेल टू द सूडो फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो बेसिकली अगेन, अगर इसका एक्सेलरेशन में कुछ ए मान लूँ शेल का, तो आपको एसेंशियली जो रेशियो निकालना है ना, आपको रेशियो निकालना है इस पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा एक्सर्टेड बाय द शेल एंड डिवाइडेड बाय जिसमें सूडो फोर्स लगेगा एज ऑब्जर्व फ्रॉम शेल। अगर शेल पे खड़े होकर देखोगे तो इसमें pseudo force m into a इधर लगाया जाएगा, m into a, so that is the ratio that we are supposed to calculate in this question. समझ आ रही है? ठीक है। तो n upon ma, अब देखो ये जो एक्सेलरेशन a है इसके बारे में अगर बात की जाए तो बड़े वाले सूडो, अगर शेल के लिए देखा जाए तो n का एक कॉम्पोनेंट आएगा इधर की तरफ, दिस एंगल इज थीटा, तो n sin थीटा इधर की तरफ एक कंपोनेंट आएगा। तो इस हेमिस्फीयर के लिए बोला जा सकता है n sin थीटा इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। इंटरेस्टिंग बात है कि ma की जो वैल्यू आ जाएगी वो n sin थीटा आ जाएगी, nn एक्चुअली में कैंसिल हो जाएगा, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी नहीं इस क्वेश्चन में, कोसेकेंट थीटा आंसर आ जाएगा। सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट एग्जाम में सॉल्व कम लोगों से होगा, क्योंकि रिएक्शन फोर्स, सूडो फोर्स ऐसे वर्ड्स जब एग्जाम में आते हैं ना तो दिमाग चलना थोड़ा सा बंद सा हो जाता है, हमें डर ज़्यादा लगने लगता है। दैट इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड विद स्टूडेंट्स। तो बट ठीक है, आई एम श्योर तुम तो अच्छे बच्चे हो, तुम तो मैनेज कर लोगे। ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम सेज कि हमारे पास व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग if the lower block is shifted to rightwards with acceleration a। तो एक ब्लॉक है इस रिंग से कनेक्ट करा हुआ है यहाँ पे हमने, और इस नीचे वाले इससे कनेक्टेड है, इसका जो ये वाला एंड है स्प्रिंग का दूसरा एंड। अब आपने इसको, अगर नीचे वाली सरफेस को a एक्सेलरेशन से आप राइट की तरफ लेके जा रहे हो तो आपको मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग बताना है क्या होगा। ठीक है, तो अगर आपको मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग बताना है कि क्या होगा तो बताओ कैसे निकालेंगे। व्हाट वी कैन डू इज कि अगर हम नोटिस करेंगे तो फिर हम ये देख सकते हैं कि इस पूरी सिचुएशन को विद रिस्पेक्ट टू दी नीचे वाला ब्लॉक इमेजिन कर सकते हैं। तो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू दी लोअर ब्लॉक अगर मैं इमेजिन करूँ इस पूरी सिचुएशन को, तो क्या है, लोअर ब्लॉक पे कंपल्सन है कि वो एक्सेलरेशन ए से राइट की तरफ जा रहा है। ओके, तो विद रिस्पेक्ट टू द लोअर ब्लॉक जब देखेंगे तो इफेक्टिवली आप इस ब्लॉक पे एक सूडो फोर्स लगेगी ma इधर की तरफ। जब ये ma सूडो फोर्स लगेगी तो जो स्प्रिंग है कंप्रेस होगी। हाँ, इनफैक्ट आप ये निकाल सकते हो कि भाई इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, इधर की तरफ के ये डी फोर्स लग रही होगी अगर ये डी कंप्रेशन है, और इधर की तरफ एम ए फोर्स लग रही होगी, इन इक्विलिब्रियम एम ए इज इक्वल टू के डी हो जाएगा, विच वुड इम्प्लाई कि जो एलोंगेशन होगा वो आपका एम ए बाई के हो जाएगा। बट विल दिस बी द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग? ये समझने वाली बात है। जनरली बहुत सारे बच्चे एम ए बाई के निकाल देंगे, विच वुड बी अ रॉन्ग आंसर। दिस नॉट बी द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। व्हाई नॉट? बिकॉज बाई द टाइम ये एसएचएम वाली फीलिंग समझो ना यार, मीन पोजीशन तक आएगा, मीन पोजीशन के बाद आगे भी जाएगा ना, बाय द टाइम इट वुड हैव गॉट सम वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन। बात नहीं समझ आई? ठीक है, तो भाई इसका इसकी वेलोसिटी फिर यहाँ पे जीरो हो रही होगी। और अभी अगेन इस बार हम देखेंगे तो अगर ये इलोंगेशन पे फर्दर डी और है तो जो मैक्सिमम इलोंगेशन है और सॉरी कंप्रेशन इस बार, दैट वुड बी 2d विच विल बी 2 times ma by k। Are you guys able to understand this? ठीक है, आप इसे एनर्जी से भी कर सकते थे। You could have said कि भाई there is this work done by ma which is ma into x and that is equal to यहाँ से Say you want say भाई मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ बोलो। मुझे बस छोटी सी केस पूछनी थी। हमारे जो स्प्रिंग है वो भी मूविंग फ्रेम में है, तो उससे कुछ फर्क नहीं आएगा क्या क्वेश्चन में? नहीं, क्या फर्क आना चाहिए आपके हिसाब से? मतलब मुझे बस थोड़ा सा लग रहा था कि अगर स्प्रिंग में मूविंग फ्रेम में है तो कुछ फर्क आएगा या नहीं आएगा, डाउट सा हो रहा था उसमें। नहीं मतलब क्या हो सकता है? हमें ब्लॉक का एफबीडी ड्रॉ करना है, स्प्रिंग से तो हमें मतलब भी नहीं है। आई डोंट थिंक देयर विल बी अ प्रॉब्लम। कुछ ऐसे नहीं आना चाहिए। ठीक है, नहीं ठीक है, दैट इज वन थिंग वी कैन से। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो ब्लॉक है इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा एट एनी टाइम टी, तो अगर आप एसेंशियली देखोगे तो विद रिस्पेक्ट टू द लोअर ब्लॉक अगर आप देखते हो तो ये ब्लॉक एसएचएम कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू द लोअर ब्लॉक। एंड इनफैक्ट अगर आप इसकी इक्वेशन देखोगे विद रिस्पेक्ट टू द लोअर ब्लॉक, इसका डिस्प्लेसमेंट देखोगे, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द लोअर ब्लॉक, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देखोगे, एम का डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो हो जाएगा एसएचएम में। अगर अपना आप एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम से स्टार्ट करते हो अपना एसएचएम, तो व्हाट इज योर पोजीशन? हाँ, व्हाट वुड बी योर पोजीशन? मतलब अगेन पोजीशन एज इन की मतलब एट एनी टाइम टी अगर हम a cos omega t होता है ना, नहीं बट हम डिस्प्लेसमेंट देखना चाह रहे हैं ना। डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियली तो जीरो ही लेना पड़ेगा, सो आई थिंक वो कुछ नहीं, कोई बात नहीं। सो फ्रॉम अगर मैं मीन पोजीशन से देखता हूँ तो मीन पोजीशन से ये डिस्टेंस जो होगा x एट एनी टाइम t वो a cos omega t होगा। अगर राइट एक्सट्रीम से आप अपना मोशन स्टार्ट करते हो तो ऐसा कुछ होता था, इनिशियल फेज एंगल π/2 हो जाता था ना, अगर आपको याद हो तो ऐसे कुछ सोच सकते हैं हम लोग। एंड देन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ, इसका डिस्प्लेसमेंट जो जाएगा डिस्प्लेसमेंट में, बिकॉज ये यहीं से अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है तो ये मतलब डिस्प्लेसमेंट वुड बी विद रिस्पेक्ट टू द लोअर ब्लॉक, दैट विल बी a cos omega t माइनस द इनिशियल पोजीशन, दैट वुड बी a। तो ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, अब ये जो a है ये एम्पलीट्यूड जो है वो d है हमारे पास यहाँ पे, विच इज ma by k। तो यहाँ पे इसे वी कैन पुट दिस ओवर एम ए अपॉन के, ये एम्पलीट्यूड वाला पोजीशन है, एक्सेलरेशन नहीं है, माइनस एम ए बाई के। ये डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द लोअर ब्लॉक है। अगर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर आप देखेंगे तो दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोअर ब्लॉक प्लस द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, ये दो चीजें हमारे पास आ जाएंगी। आर वी एबल टू अंडरस्टैंड दिस? इक्वल टू लिख दिया मैंने, प्लस कितना है? यस हाँ ठीक है। और फिर अब लोअर ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है वह हाफ एक्सेलरेशन इनटू टी स्क्वायर अगर वो इनिशियल रेस से स्टार्ट कर रहा है एंड डिस्प्लेसमेंट और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो है वो कुछ एम ए बाई के कॉस ओमेगा टी माइनस एम ए बाई के। थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो गया ना ये तो एकदम से, मतलब ठीक है दैट इज देयर बट द आइडिया हेयर इज कि अगर आपको पता है कि एक ऑब्जेक्ट एसएचएम कर रहा है तो आप उसका एसएचएम वाला डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, ठीक है। और अगर वो किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कर एसएचएम कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। जो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ब्लॉक जिसके रिस्पेक्ट में एसएचएम हो रहा है प्लस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक जिसका एसएचएम जिसके रिस्पेक्ट में एसएचएम हो रहा था। तो ऐसे कुछ फीलिंग है। तो हाफ ए टी स्क्वायर बोलना बहुत आसान है, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से वो ब्लॉक मूव कर रहा है, और ये चीज़ बोलना भी बहुत मुश्किल नहीं है, दिस इज ऑल्सो प्रीटी इजी। मतलब वो इनिशियल पोजीशन एक्स इक्वल टू ए है ना यहाँ पे, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो एक्स यहाँ से हमें एम ए कॉस ओमेगा टी पता है बहुत आसानी से, बट इन जनरल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ तो उसमें ए को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इनिशियल पोजीशन। मतलब हमने डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही बोलते थे ना, एक्स माइनस एक्स नॉट ऐसे कुछ ही बोलते थे, सो दैट वाज द फीलिंग। ठीक है, आई होप we understand this. Going forward, there is another problem which we can talk about. That is, suppose we have a uniform solid hemisphere of radius r, which is joined to a uniform solid right circular cone of base radius small r. तो मतलब इसी को ऐसे कुछ बनाया गया. Both have the same density. दोनों की density same है. The center of mass of the composite solid lies on the common face. जो इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है इन दोनों बॉडीज का, सो यू नो कि इस सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास के यहाँ आएगा और जो ये नीचे वाला ऑब्जेक्ट है इसका सेंटर ऑफ मास के यहाँ आएगा, और इन दोनों का जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है वो कह रहे हैं कि वो यहीं यहाँ पे आ रहा है। दैट इज द आर्ग्यूमेंट। ये बात समझ आ रही है? हाँ ठीक है। तो ना हाइट एच ऑफ द कोन इज इन टर्म्स ऑफ आर, आपको हाइट एच निकालनी है कोन की, वो क्या होगी। आर वी क्लियर अबाउट इट? ठीक है। नाउ इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे, जब हम इसका सेंटर ऑफ मास हमें पता है कि यहाँ पे है, तो व्हाट वी कैन बेसिकली से वी कैन एसेंशियली से, देखो अब यहाँ से अब आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। अब याद ये वाली बात थोड़ी सी ऐसी आती है कि हमने क्या किया था, सेंटर ऑफ मास ऑफ कोन कहाँ पे होता था, बेस से h/4 या वर्टेक्स से 3h/4 पे, ये होपफुली याद होगा आपको। और सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर कहाँ पे होता था, ये याद है? हाँ। तो मतलब एक हमने रोटेशन में क्वेश्चन किया था जिसमें 3r/8 के अबाउट हमें 3r/4 पे में वो चाहिए था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे थे हम लोग, तो वहाँ पे मैंने कराया था वैसे। बट अगेन दोबारा से भी देख सकता हूँ मैं से कि यार जैसे एक रिंग का कहाँ पे होता है, वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिंग, अगर एक सेमी सर्कुलर रिंग है तो सेंटर मास इसका हाइट पे होता है 2r/π पे। फिर अगर हमारे पास शेल होती है तो शेल का सेंटर मास कहाँ होता है, बताओ? हेमिस्फेरिकल शेल का, शेल उसका सेंटर मास कहाँ होगा? गाइस हानित r/2 पे होता है। बड़ी अमेजिंग सी बात होती है, मतलब r/2 पे होता है। सॉलिड हेमिस्फीयर का कहाँ हो जाता है? 3r/8 पे कुछ सेंटर ऑफ मास आ जाता है सॉलिड हेमिस्फीयर का। तो ये याद रहने चाहिए इफेक्टिवली, मतलब वी कैन रिमेंबर देम नाउ। तो ये इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो 3r/8 हाइट पे होगा। तो अब इसका अगर नेट सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ रहा है, इसको एक सेकंड के लिए ओरिजिन मान लोगे तो आप ऑब्वियसली ये बात होगी कि m1 m of sphere into 3r/8 must be equal to m of cone into h/4। ये दोनों अगर इक्वल हो जाएं तो सेंटर ऑफ मास जो है वो यहीं पे आ जाएगा ना, बिल्कुल इन पे यहाँ 0 पे आ जाएगा। Are we able to understand this? I can do it in a more elaborated manner कि m1 x1 plus m2 x2 by m1 plus m2 सेंटर मास होता है जो 0 डाल सकता हूँ, पर वहाँ से मुझे पता है कि m1 x1 must be equal to m2 x2, मतलब दूसरी साइड पे है तो दोनों, एक का सेंटर मास एक तरफ पे। अब मास ऑफ द स्फीयर डेंसिटी दोनों की सेम है, तो रो इंटू 2/3πr³ हेमिस्फीयर का जो मास है, गलती मत करना 4/3 मत डालना प्लीज, इंटू 3r/8 that is equal to mass of the cone. Now mass of the cone will be, volume of the cone क्या होता है 1/3 pi r cube, sorry pi r square into h by 4 ऐसे कुछ हमारे पास आ जाएगा ये. Are we clear? ठीक है. And then from यहाँ से रो भी कैंसिल हो गया, पाई भी कैंसिल हो गया, एक्चुअली ये 3 भी एक कैंसिल हो गया, ये 4 आ गया, ये 4 भी कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर भी एक आर बचा यहाँ पे, तो 3r² इज इक्वल टू h² आ गया, विच इज h इज इक्वल टू √3r. h की वैल्यू आ गई √3r. Are we okay with this? ठीक है. This is amazing. Now इंटरेस्टिंग सी कहानी इसमें ये है कि अगर मैं इस कोन को ऐसे रखूँ ना यहाँ पे, ये जो हमने निकाला है, इफ इन दिस सिनेरियो इफ आई कीप इट, इफ आई कीप दिस ऑब्जेक्ट लाइक दिस ऑन द सरफेस, और इसका सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ पे है, बिल्कुल इधर है, तो अगर मैं इसे सपोजली टिल्ट करता हूँ ना, इफ आई लेट्स से टिल्ट दिस एंड इट बिकम्स लाइक दिस, तो इंटरेस्टिंग बात पता है क्या, सेंटर मास यहाँ आ जाएगा और सेंटर मास यहाँ आ जाएगा, बट जो mg वाली फोर्स होगी वो नीचे इसी पॉइंट से पास कर, जैसे अभी mg वाली फोर्स नीचे इस पॉइंट से पास कर रही है, दिस इज नॉट गोइंग टू टॉपल. सो मतलब आप उसे पूरा भी टिल्ट कर सकते हो एक्चुअली में, एंड दिस इज नॉट गोइंग टू टॉपल. सो मतलब अगेन दिस इज द हाइट फॉर विच दिस इज हैपनिंग. अगर आप इससे ज्यादा कोन को इससे ज्यादा बड़ा बना देते तो ये सेंटर मास के यहाँ पे आ जाता. जब आप इसे टिल्ट करते तो सिर्फ हेमिस्फेयर को देखो, जब आप टिल्ट करते तो हेमिस्फेयर को ही अगर आप नोटिस करोगे खाली, तो आपको दिख जाता कि हेमिस्फेयर का जो सेंटर है वो इस वर्टिकल लाइन पे होना है. क्यों वर्टिकल लाइन पे होना है? क्योंकि भाई जो नॉर्मल है इस पे यहाँ पे वो सेंटर से पास करता है. ठीक है, तो अगर अब सेंटर मास यहाँ होता तो mg फोर्स की वजह से जो टॉर्क है क्लॉकवाइज आ जाता. तो अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करता तो mg की वजह से देयर वुड हैव बीन अ क्लॉकवाइज टॉर्क एंड दिस विल टॉपल क्लॉकवाइज ना. समझ आ रही है बात? और अगर मैं सपोजिटली यहां पे ये होता कि हाइट को और कम कर देते तो सेंटर मास नीचे हो जाता, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. तो फिर इवेंचुअली क्या होता है कि इधर कहीं आपका mg फोर्स लग रहा होता और वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगाता तो वापस इक्विलिब्रियम में ले जाता. तो इस केस में ये जो सिचुएशन है, जब बिल्कुल सेंटर मास यहाँ पे है तो आप बोलोगे कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है. जब अगर ये ऊपर होता, क्या कहते हैं, सेंटर मास के यहाँ होता, जैसे यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा था, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई हमारी. कांस्टेंट स्टेबिलिटी सो वर्टिकल पोजीशन हो गई. क्यों? हल्का सा तो पूरा उधर की. मेरी आवाज आ रही है? थोड़ी कट रही. ठीक है. एंड देन सेंटर ऑफ इसका पूरे सेटअप का, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ऐसे कुछ कह सकते हैं. तो मतलब अगेन इफ यू वुड इमेजिन जो डॉल, मतलब वो एक वो थी डांसिंग डॉल जिसमें पंचिंग डॉल, तो पंच करते हो आप और पंच करने जाती है उसमें. व्हाट इज कि जब आप उसे टिल्ट कर रहे होते हो तो जो सरफेस होती है उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा दैट वुड लाई समवेयर बिटवीन द सेंटर एंड दिस पॉइंट. यू हैव अ डाउट? हाँ बोलो. सर वो लास्ट वाला पार्ट समझ नहीं आया था, वो अनस्टेबल कैसे हुआ, वो टॉर्क वाला एक बार फिर से बता देना. अनस्टेबल वो कैसे हो रहा है? अच्छा, तो अनस्टेबल होने में तो बेटा जी सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ पे लाई करता है, तो जब आप इस शेप के ऑब्जेक्ट को टिल्ट करोगे तो फिर क्या होगा? लेट अस इमेजिन हमने ऐसे टिल्ट कर दिया, इसे टिल्ट करने पे जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे, तो mg फोर्स इधर लग रही होगी, और जो ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है इसकी वर्टिकल लाइन अगर आप इमेजिन करोगे तो वो यहाँ से पास कर रही होगी, तो mg फोर्स इसके बाहर आ गई, जिसकी वजह से जो टॉर्क लग जाएगी वो क्लॉकवाइज ही लग जाएगी, और क्लॉकवाइज ही आपने घुमाया था और क्लॉकवाइज ही टॉर्क लग गई तो फिर और ज्यादा उधर चला जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा ना इक्विलिब्रियम पोजीशन जो, ये अभी तो इक्विलिब्रियम में जब बिल्कुल वर्टिकली ऐसे सब ऊपर लाई कर रहा है, बट अगर हल्का सा टिल्ट किया तो राइट में गिर जाएगा, जबकि अगर ये सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करता तो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो दिस वुड हैव बीन इन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम बिकॉज़ इट वुड हैव कम बैक। जब एग्जैक्टली यहाँ लाई कर रहा है तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वाली फीलिंग है हमारी, क्यों? क्योंकि वो आप टिल्ट करके छोड़ोगे वो टिल्ट ही रहेगा, इट विल नॉट कम बैक। ओके, समझ आई बात गाइस? यस सर। मतलब अगर हम कर रहे हैं वाला कॉन्सेप्ट, तो इसमें छोटी सी एक और चीज कर सकता हूँ मैं कि अगर सपोजिटली मेरे पास ऐसे प्लैंक है एक एल लेंथ का, और एक और इसके ऊपर मैं एक और प्लैंक रख रहा हूँ, और इसके ऊपर मैं एक और प्लैंक रख रहा हूँ, और इसके ऊपर मैं एक और प्लैंक रख रहा हूँ, तो आपको मुझे ये बात बतानी है कि व्हाट इज द मैक्सिमम। अगर मेरे पास चार प्लैंक है तो मैं मैक्सिमम ओवरहैंग लेंथ कितनी हो सकती है, मतलब जो नीचे वाला प्लैंक है से आगे कितनी मैक्सिमम लेंथ तक ओवरहैंग हो सकता है पूरा सिस्टम। ये क्वेश्चन समझ आ रहा है? यस। तो हम कितनी लेंथ तक ऐसे क्या कहते हैं प्लैंक्स लगाते जाएं और कितनी टोटल चार प्लैंक से हम कितनी लेंथ तक ओवरहैंग कर सकते हैं, क्वेश्चन ये है बेसिकली। क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या? ओवरहैंग मतलब समझ आ रहा है ना कि भाई कितना मतलब आगे तक हैंग हो रहा है, तो ऐसे मतलब ये अपने वेट की वजह से स्टेबल रहे, मतलब इट शुड नॉट फॉल। सो बेसिकली देखो इसमें हम क्या से सोचते हैं, इसमें सोचने का तरीका ये होता है कि हम ऐसे नहीं सोचते कि पहले यहाँ पे इसके ऊपर एक रख देते हैं, तो ये तो मेरे को देखो सिंपल सी बात है, अगर एक ही रखा होता तो ये बड़ा सिंपल सी कहानी थी कि यार इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना, नीचे वाला भूलाओ, नीचे से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो ऊपर वाला ये है इसका जो सेंटर मास है अगर वो यहाँ से पास कर जाए, अगर इसका सेंटर मास बिल्कुल कॉर्नर से जस्ट लेफ्ट में होगा तो इक्विलिब्रियम में होगा, अगर ये सेंटर मास यहाँ हुआ तो ये टॉपल कर जाएगा। mg फोर्स जो है वो कॉर्नर से आगे नहीं होनी चाहिए ना, ठीक है, तो बिल्कुल कॉर्नर पे लगा दो आप। अब बट सो ये बेसिकली हाँ, सो यहाँ से तो क्लियरली दिख जाता है कि L/2 ऐसे एक है तो L/2 आप आगे लटका सकते हो, बट अब अगर इसके ऊपर आप एक और रख दोगे ऐसे तो क्या होगा? इफ यू प्लेस एंड ब्लॉक अबव इट तो पक्का से टॉपल कर जाएगा ना। Now rather than doing this, किसके ऊपर प्लेस करने की जगह what we tend to do is हम क्या करते हैं इसके नीचे रख देते हैं एक को, तो ये तो ये पूरा ये दोनों प्लैंक्स का सेटअप तो इक्विलिब्रियम में है, इन दोनों प्लैंक्स का सेटअप तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, हम क्या करते हैं इसके नीचे एक प्लैंक रख देते हैं, we keep a plank below it, ठीक है। अब जब नीचे एक प्लैंक रखेंगे तो अब हम ये चाहते हैं कि ये जो दोनों प्लैंक थे इनका जो सेंटर ऑफ मास है दैट सेंटर ऑफ मास मस्ट बी, जो इन दोनों प्लैंक हैं इन दोनों प्लैंक का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं यहाँ पे इससे इस कॉर्नर येलो वाली लाइन से राइट लेफ्ट में होना चाहिए, तो मतलब जस्ट क्रिटिकल केस में यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। अब इनका सेंटर मास है कहाँ, ये सोच के देखो इनका सेंटर मास है कहाँ पे, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ है, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ है, तो अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूं एक सेकंड के लिए, तो -m/l/2/2m which is -l/4, तो यहाँ से l/4 लेफ्ट में आपका सेंटर ऑफ मास है इसका, और मैं नीचे जो प्लैंक रख सकता हूँ, तो ये ओवरऑल सेंटर ऑफ मास है पूरे दोनों का मिला के, सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो नीचे जो मैं प्लैंक रख सकता हूँ वो कहीं यहाँ पे रख सकता हूँ ताकि l/4 इधर रख सकता हूँ। अब इसके नीचे एक और प्लैंक रखना है, तो अब क्या करो आप इन तीनों पूरी तीनों का सेंटर मास निकाल लो। नाउ कैन वी फाइंड आउट तीनों का सेंटर मास? वी शुड बी एबल टू डू दैट। कैसे? वी शुड बी एबल टू फाइंड द सेंटर मास, क्योंकि ऊपर वाले दोनों का तो पता चल गया मुझे कि इस लाइन पे लाई करता है, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो -m, इसका यहाँ से l/2 होगा, -m इंटू l/2 डिवाइड बाई कितना मास है इस बार 3m, तो ये हो जाएगा -l/6, तो यहाँ से l/6 डिस्टेंस दूरी पे इन तीनों का सेंटर ऑफ मास है। अगर आप एक फलक्रम यहाँ पे लगाते हो तो उसे इक्विलिब्रियम में रख सकता है, तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे l/6 डिस्टेंस दूरी पे से आगे कौन। सिमिलरली अब पैटर्न तो नजर आ ही गया होगा वैसे होपफुली, अगर अगला वाला रखना होगा तो कहां पे रख सकता हूं मैं? L/2, L/4, L/6 इन दोनों का, इन चारों का सेंटर मास देखेंगे तो यहां से L/8 पे आ जाएगा, तो वहां से L/8 और, तो दैट इज ओके। हाउएवर चार प्लैंक ही रखने थे तो एक के ऊपर एक, सो ओवर हैंगिंग लेंथ कितनी हो गई? L/2 प्लस L/4 प्लस L/6। इज दैट ओके? ये तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे कि वैल्यू कितनी आ रही है। 3L/, मतलब 12 एलसीएम ले लो और 6 प्लस 3 प्लस 2 11L/12 से कुछ आ गया। ओके, कोई डाउट है इसमें तो पूछो। मतलब मैं वही कह रहा था कि जो सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम है वो जो कॉर्नर पॉइंट है उससे लेफ्ट में होना चाहिए, या मतलब अंदर होना चाहिए, बॉडी के अंदर अंदर होना चाहिए। दैट इज द फीलिंग। कॉर्नर जो बॉडी का उसके अंदर 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 की तरफ होना चाहिए। दैट इज द फीलिंग। सो यू विल नॉट टॉपल। तो अगर आप एक एज पे खड़े होते हो तो आप एज पे खड़े होके ऐसे नहीं खड़े हो सकते ना। यू कैन नॉट स्टैंड लाइक दिस कि आपका सेंटर मास यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली आप अपनी बॉडी को अगर आप इमेजिन करोगे तो ऐसे टिल्ट कर लेते हो नेचुरली। अपनी बॉडी को अपने आप से ऐसे टिल्ट कर लेते हो। बेसिकली आप क्या अचीव करने की कोशिश करते हो कि सेंटर मास इस कॉर्नर से इधर रहे, क्योंकि जैसे ही आपका सेंटर मास कॉर्नर के इधर आया कोई नहीं बचा सकता आपको। हाँ, there is nothing which can save you sort of। ठीक है, एक और चीज होती है, आप अपने हाथ को कुछ ऐसे 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 हिलाने लग जाते हो। वो बेसिकली आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करने की कोशिश करते हो। आप एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम क्रिएट करने की कोशिश करते हो। बट लेट्स इग्नोर दैट फॉर नाउ। मतलब नहीं बचा पाओगे अभी के लिए, तो ऐसे मान लेते हैं। चलो ठीक है, दैट्स ओके। आर वी गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, अनदर सिंपल क्वेश्चन। A man of mass 50 kg is standing on a 100 kg plank kept on a frictionless horizontal floor. Initially, both are at rest. If the man starts walking on the plank with 6 m/s towards right relative to the plank, then amount of muscle energy spent by the man is how much? Muscle energy कितनी spend कर रहा है man? ये question है हमारे सामने। तो man इधर की तरफ चलने लग जाता है 6 m/s से, तो प्लैंक की अगर वेलोसिटी देखेंगे तो इधर 3 m/s आ जाएगी। आया ना? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम 50 × 6 = 100 × v। अब इसमें गलती हो रही है। क्या गलती हो रही है जी? गलती हो रही है, जल्दीबाजी है, मुझे जानना है। अरे देखो तो सही, रिलेटिव टू द प्लैंक। यहाँ कितनी बार ये क्वेश्चन जब क्लास में करे थे तो स्पेसिफिकली बोला गया था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में हमेशा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करना। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं करते तो सूडो फोर्स एक आ जाती है। अगर विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक करो, प्लैंक तो एक्सेलरेटेड है ना, तो ठीक है कोई बात नहीं। अभी के लिए हमें क्या है, 6 दे रखी है इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द प्लैंक। प्लैंक की वेलोसिटी इधर की तरफ v मान लेते हैं, तो इसकी वेलोसिटी नेक्स्ट रिलेटिव माइनस ऐसे कुछ 6 m/s -v, 6 -v कुछ वेलोसिटी हो जाएगी ना इसकी। रिलेटिव प्लस रेफरेंस होती है नेट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। रेफरेंस क्या हमने लेफ्ट की तरफ मान ली, तो 6 और v को ऐड करना है बट अपोजिट डायरेक्शन में, ध्यान रखो। तो नेट रिजल्टेंट 6 - v आ जाएगा। समझ आई बात? नहीं? ठीक है, अमेजिंग कहानी। एंड देन अगर हमारे को ये दिख रहा है कि 6 - v ऐसे कुछ आ गया, तो 50 × 6 - v = 100 × v। तो यहां से हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट विल बी 2 m/s। और v की वैल्यू से ये प्लैंक जो है 2 m/s से चल रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये 4 m/s से चल रहा होगा मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, ठीक है। अब अगेन आपसे बोला जा रहा है कि भाई मसल एनर्जी कितनी स्पेंड करी है मैन ने। मतलब देखो, दोनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे। पर कहां से आएगी वो काइनेटिक एनर्जी? जो मैन चल रहा है, आगे चल रहा है, तो प्लैंक को भी पीछे चलाने के लिए जान लगानी पड़ रही होगी ना मैन को। ठीक है, तो जो मसल एनर्जी मैन ने स्पेंड करी होगी तो टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ 50 × 4² प्लस हाफ 100 × 2², and that's 200 plus I think this is 600 joules would be the answer. The answer is it fine? समझ आई बात? नहीं समझ आई बच्चों? ठीक है, तो गलती वो रिलेटेड टू द प्लैंक वाली वो नहीं होनी चाहिए। मसल एनर्जी वाला सब पंडा भाई मसल एनर्जी, ये तो कुछ अजीब सी बात बोल दी है, ये तो सॉल्व ही नहीं होगा। नहीं, ध्यान, कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर तो सॉल्व हो जाएगी क्वेश्चन। कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे तो यार देखो, तुम्हें पता ही है कॉन्फिडेंस के बिना तो कुछ होता नहीं है दुनिया में। ठीक है, Can I move on? ठीक है, नेक्स्ट चीज पे चलते हैं. A particle of mass m is projected from the ground with an initial speed u naught at an angle alpha with the horizontal. At highest point of the trajectory, it makes a completely inelastic collision with another identical particle, which was thrown vertically upward from the ground with the same speed, initial speed u naught. तो हमारे पास एक particle है जिसको हमने project किया ऐसे projectile में. ठीक है, अब at the topmost point of its projection, इसकी कुछ velocity अगर आपने u naught velocity से फेंका at an angle theta to the horizontal, तो इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होगी? इधर की तरफ u naught cos theta इसकी वेलोसिटी होगी. इज इट ओके? अब हम कह रहे हैं कि हम ये एक और पार्टिकल से कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन अंडरगो करता है. इधर कौन सा पार्टिकल? आपने इस पार्टिकल को भी u naught वेलोसिटी से फेंका ऊपर की तरफ. आपको बताना है, मतलब ये सॉरी अल्फा एंगल में प्रोजेक्ट हुआ था, कोई बात नहीं, ये अल्फा है. आपको बताना है कि अब ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन अंडरगो करेंगे तो क्या वेलोसिटी होगी. तो ये चीज ये सोच सकते हैं हम लोग कि जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग इसकी क्या वेलोसिटी है इस पार्टिकल की. क्या यू नॉट ही बोल सकता हूं मैं? ऑब्वियसली नॉट. निकाल कह सकता हूं यहां से यहां तक का टाइम पता है हमें कितना होता है नीचे से. टाइम नहीं जरूरी नहीं है सेम टाइम पे प्रोजेक्ट किया. टाइम नहीं कर सकते, ये तो बोला ही नहीं है सेम टाइम प्रोजेक्ट किया है. ये हाइट तो बट पक्का होगी ना. ये हाइट कितनी है? दिस इज यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. ये हमें हाइट पता है, साइन स्क्वायर अल्फा इफेक्टिवली. अब इसकी वेलोसिटी आप निकाल सकते हो इतनी हाइट बाद कितनी होगी. v स्क्वायर इज इक्वल टू यू नॉट स्क्वायर माइनस 2g और ये वाला डिस्प्लेसमेंट डाल दीजिए. यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g कैंसिल हो जाएगा. यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा. वी स्क्वायर विच बेसिकली इंप्लाई वी की वैल्यू जो है यू नॉट कॉस अल्फा आ जाएगी. तो इधर की तरफ जो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी वो यू नॉट कॉस अल्फा हो गई. सो अब दो पार्टिकल टकरा रहे हैं, एक की वेलोसिटी है यू नॉट कॉस अल्फा राइट की तरफ, एक की वेलोसिटी है यू नॉट कॉस अल्फा अब ऊपर की तरफ. तो अगर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहते हो तो आप इसका एक परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है. परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता था? ये दोनों पार्टिकल स्टक हो जाएंगे एक साथ. ठीक है, तो अब आपको बताना है कि जो कॉम्पोजिट सिस्टम बनेगा वो कितने एंगल पे जा रहा होगा. जो कॉम्पोजिट सिस्टम बनेगा व्हाट विल बी द एंगल एट व्हिच दैट कॉम्पोजिट सिस्टम वुड बी गोइंग. देखो यू नॉट cos अल्फा और इधर की तरफ यू नॉट cos अल्फा आया तो इसके इधर की तरफ वेलोसिटी निकल जाएगी कि m इंटू यू नॉट cos अल्फा इज इक्वल टू 2m इंटू वी. अगर मैं vx बोलूँ तो vx की वैल्यू पता चल जाएगी यू नॉट cos अल्फा बाई 2 और सिमिलरली वी बाई की वैल्यू भी पता चल जाएगी सिमिलरली यू नॉट कॉस अल्फा बाई 2. तो अगर यू नॉट कॉस अल्फा बाई 2 और यू नॉट कॉस अल्फा बाई 2 पता चल गया हमें, तो अगर इससे पूछा जाए कंपोजिट सिस्टम हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा होगा इमीडिएटली आफ्टर, तो इक्वली हो गया तो 45 डिग्री एंगल हो जाएगा ना. तो विच विल बी दिस. अर्जुन हेलो बेटा, भैया मैं क्वेश्चन 24 में डाउट था. अच्छा, ये समझ आ गया सबको? हाँ बताओ क्या डाउट है भैया. में जब हम एनर्जी कैलकुलेट कर रहे थे तो प्लैंक वाली एनर्जी क्यों ऐड करी? क्योंकि बेटा प्लैंक जो मूव कर रहा है वो कौन दे रहा है एनर्जी? प्लैंक को. प्लैंक के पास तो कुछ एनर्जी नहीं थी. व्हाट इज हाउ इज द प्लैंक गेटिंग दैट एनर्जी? हाँ वो तो मैं ही प्रोवाइड करेगा. ठीक है भैया थैंक यू. एसेंशियली वो फ्रिक्शन फोर्स है. अगर तुम और डिटेल में घुसना चाहते हो फ्रिक्शन फोर्स कुछ वर्क कर रही होगी प्लैंक के ऊपर जिसकी वजह से प्लैंक की एनर्जी बढ़ रही है. तो मैन के पैरों से फ्रिक्शन फोर्स लगा होगा ना, तो फ्रिक्शन लगा कौन है? मैन लगा रहा है. दैट इज द वर्क डन बाय मैन. तो वर्क अपनी मसल एनर्जी स्पेंड कर रहा है वर्क करने के लिए. ठीक है थैंक यू. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग 39 क्वेश्चन पे. 39 क्वेश्चन में हमारे सामने क्या है? ये दो ब्लॉक हैं मास m और 2m के और इन दोनों को हमने एक आइडियल स्प्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है और स्प्रिंग कांस्टेंट के ना. ये दोनों के दोनों रेस्ट पे इनिशियली ना. दे आर गिवन वेलोसिटीज v नॉट एंड 2v नॉट. इसको 2v नॉट वेलोसिटी दे दी, इसको v नॉट वेलोसिटी दे दी. बहुत अच्छी बात है. ठीक है अब हमारे सामने क्वेश्चन ये है, इफ मैक्सिमम एलोंगेशन द स्प्रिंग ड्यूरिंग देयर मोशन इज दिस, तो आपको एन की वैल्यू निकालनी है, मतलब आपको एसेंशियली मैक्सिमम एलोंगेशन निकालना है ना बच्चों? ठीक है जी। अब ये मैक्सिमम एलोंगेशन कैसे निकलेगा? अब समझो इसकी वेलोसिटी जैसे ही ये छोड़ोगे आप, इस पे इधर की तरफ फोर्स लगने लगेगा, इस पे इधर की तरफ फोर्स लगने लगेगा, इसकी वेलोसिटी भी कम होगी और इसकी वेलोसिटी भी कम होगी। ये बात समझ आ रही है? अब अगेन फोर्स तो सेम ही लग रहा है, एक बात ये समझो कि इसका मास भी कम है और इसकी वेलोसिटी भी नीचे कम थी, तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी थोड़ी देर में, बट इसकी वेलोसिटी कुछ रहेगी। उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या होगा, अभी भी फोर्स लगेगी, अब इसकी इधर की तरफ वेलोसिटी बढ़ेगी, इसकी इधर की तरफ बढ़ेगी, बट जब मैक्सिमम एलोंगेशन होगा, तो ये बात समझने वाली है, एट द इंस्टेंट ऑफ मैक्सिमम एलोंगेशन, एट द इंस्टेंट ऑफ maximum elongation m and 2m must have same velocity. बेस्ट तो ये होता है कि जीरो हो जाती है, बट जरूरी नहीं है वो जीरो हमेशा। ठीक है, तो अब इन दैट सिनेरियो हम क्या assume करेंगे, हम मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ v है, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ v है। आप लेफ्ट की तरफ भी ले सकते थे, वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव नेगेटिव निकल के आ जाता। ठीक है, दैट इज द इंस्टेंट। सो बेसिकली समझो ना, इनके बीच का सेपरेशन है, बढ़ता जा रहा है ना। अब इस वाले की वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब कम होते होते एक टाइम आएगा जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो चुकी होगी, इसकी वेलोसिटी इधर जा रही होगी, अभी भी सेपरेशन बढ़ रहा है इनका, तो ये इधर आने लग जाएगा। एक टाइम जो जब दोनों सेम वेलोसिटी से जाएंगे, दैट इज द टाइम व्हेन सेपरेशन बढ़ना बंद हो जाएगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट? होपफुली यस। ठीक है, तो अगर हम मैक्सिमम इलोंगेशन अब नोटिस करेंगे तो m और 2m की सेम वेलोसिटी लानी चाहिए, तो हम कह देंगे कि 2m इंटू 2v0 माइनस m इंटू v0 इज इक्वल टू 3mv, विच इम्प्लाइज v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v0 आ जाएगी। बोथ ऑफ देम विल हैव अ वेलोसिटी v0। अच्छा, अब इस सिलसिले में मैक्सिमम इलोंगेशन वेलोसिटी नहीं निकालनी थी, मैक्सिमम इलोंगेशन निकालना है। वो कैसे निकलेगा? एनर्जी से। कैसे? क्योंकि इलोंगेशन और एनर्जी का रिलेशनशिप है। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, या देयर इज अ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। जैसे इनिशियल देख सकते हैं, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ 2m इंटू 2v0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इनिशियल काइनेटिक टोटल एनर्जी है। फाइनली हाफ वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 3m मास की v0 वेलोसिटी है, स्पीड है, प्लस हाफ kx स्क्वायर। तो यहां से इस सिंपल में x की वैल्यू पता चल जाएगी। ये कितना हो गया, तो हाफ, इसमें 8 आ गया, 7 9 8 और 1 9 9 माइनस 3 6 3mv0 स्क्वायर बाई 2 into this upon k का रूट, which is v0 under the root 6m by k। तो ये n की वैल्यू जो है 6 हो जाएगी। फाइन, बात समझ आई क्या ये? So this is how we do this। So ये effectively एक statement है जो अगर आपको रियलाइज हो जाए तो it's a very easy question। अगर आपको रियलाइज नहीं होता है then again it will be little tricky। हाँ अर्जुन सर, सेम वेलोसिटी क्यों नहीं चाहिए? अगर सेम वेलोसिटी नहीं होगी, अगर इसकी ज्यादा होगी राइट वाले की, तो इनके बीच का सेपरेशन जो है वो बढ़ेगा, और अगर एक राइट जा रहा है एक लेफ्ट जा रहा है तो भी सेपरेशन बढ़ेगा। सेपरेशन जब तक बढ़ता रहेगा तो एलोंगेशन और बढ़ता ही रहेगा ना। जिस इंस्टेंट पे इन दोनों की सेम वेलोसिटी हो जाएगी, जिस इंस्टेंट पे इन दोनों की सेम वेलोसिटी हो जाएगी, उस इंस्टेंट सेपरेशन फर्दर बढ़ना बंद हो जाएगा। ठीक है सर, कम हो जाएगा सेपरेशन इसके बाद दोबारा से, बट मैक्सिमम एलोंगेशन के लिए दिस विल बी द इंस्टेंट। ओके, यस सर, यस, ग्रेट। सो होपफुली वी कैन सी दिस एंड दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है कोई और भी। ठीक है, अ फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑन दिस। देयर आर टू स्मूथ प्रिज्म्स of similar right triangular section आर अरेंज ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऐसे एक नीचे प्रिज्म है ये और एक के ऊपर भी एक प्रिज्म है, मतलब वेज है जो भी बोल लो, मतलब दैट इज ओके। अब लोअर ब्लॉक हैज अ मास, इसका मास है ईटा एम, अगर इसका मास एम है तो ठीक है। इनिशियली ऐसे पोजीशन पे छोड़ा रखा हुआ है, फिर हम इन्हें छोड़ देते हैं। नब जब हम इन्हें छोड़ देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है वो नीचे आएगा, सो मतलब ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो नीचे आएगा इसमें। एंड नाउ एट द इंस्टेंट वेयर द अपर प्रिज्म टचेस द हॉरिजॉन्टल प्लेन, जब ये यहाँ पहुंचेगा तो हॉरिजॉन्टल प्लेन को टच करेगा अपर प्रिज्म जो है। एट दिस इंस्टेंट ये नीचे वाला ब्लॉक कितना डिस्प्लेस हो गया होगा, ये क्वेश्चन है हमारे सामने। नाउ दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, अगर आप सोचोगे तो। We have done this several number of times, and in this question, what we generally do is we say that कि भाई साहब ये जो m है, अगर ये कुछ right की तरफ displace हुआ है, तो जो ये eta m mass वाला है, कुछ left की तरफ displace होगा, and m into x1 must be equal to eta m into x2, क्योंकि horizontally as अगर इसका logic बात की जाए, as horizontally there is no external force, तो horizontally acceleration कुछ नहीं होना वाला, initially horizontally सब rest पे था, तो center of mass की horizontal position will remain same. That was the logic of it. The feeling is यार जितना ये right में जाएगा उतना ही left में जाएगा, equal distance इन masses के क्या कहते हैं m into x को equate करेंगे। Is that okay? ठीक है। अब यहाँ पे जो doubt आता है, वो doubt क्या होता है? अगर मैं ये देखूँ ये कितना right की तरफ गए, तो अब बताओ इसमें क्या करना होता था, हमें confusion होता था कि भाई इसको लिखें कैसे। अब देखो ये बात तो समझ आ जाएगी आपको कि अगर नीचे वाला rest पे होता तो ये right की तरफ b minus ही जाता, हाँ कोई बात ही नहीं। अब बट कितना चला जाएगा b माइनस ए जाता, बट नीचे वाला x से लेफ्ट की तरफ आ गया तो इफेक्टिवली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये b माइनस ए माइनस x टाइम चला गया ना लेफ्ट की राइट की तरफ, ऊपर वाला प्रिज्म जो है। नहीं समझ आई बता रहे, ये क्वेश्चन करते हैं ना हम लोग की अगर ये l जाना है इधर की तरफ, l चला गया, ऐसे इमेजिन करो कि l चला गया विद रिस्पेक्ट टू द प्लैंक और विद रिस्पेक्ट टू द वेज, नीचे वाला जो वेज है। तो अब ऊपर वाला ब्लॉक जब लेफ्ट, नीचे वाला वेज जब लेफ्ट की तरफ आएगा तो नीचे वाले वेज के लेफ्ट आने पे क्या होगा, उतना ही डिस्टेंस वो पीछे आ गया, इफेक्टिवली ऐसे इमेजिन कर लो ठीक है। तो l माइनस एक्स हो जाता था, बस यहाँ पे ये b माइनस ए l जो है, ये समझने की बात है। दैट इज इक्वल टू ईटा टाइम्स कैपिटल m इनटू x, वो तो x ही किया उसको, तो x अज्यूम ही किया हमने ठीक है। तो ये m m कैंसिल हो गया, तो b माइनस ए इज इक्वल टू x इंटू ईटा प्लस वन, तो जो x की वैल्यू है वो आ गई b माइनस ए अपॉन ईटा प्लस वन। Now this is distance moved by the lower prism निकालना है हमने, हाँ वही निकाला है, तो lower prism वाले निकाला है। तो b minus a, sorry a minus b, b minus a लिख दिया गलती से, sorry आप लोग confuse हो रहे हो, पागल क्यों हो गए मोटा, don't worry that is fine ठीक है। तो yes you hope चलिए समझ आ जाएगा हमें a minus b upon eta plus one। कोई doubt है किसी को तो पूछ लो ठीक है, बोलो शौर्य क्या डाउट है बताओ, सर पकड़ के बैठे हो, कोई डाउट नहीं है मेरे को तो, सर क्यों पकड़ के बैठे हो, चलो ठीक है। सो दैट इज लेट्स टॉक अबाउट अनदर प्रॉब्लम। अब भाई जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो कह रही है कि अब विंड पावर जनरेटर कन्वर्ट्स विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बहुत अच्छी बात है जी, करो कन्वर्ट जितना मन करे। नाउ अज्यूम दैट द जनरेटर कन्वर्ट्स अ फिक्स्ड फ्रैक्शन ऑफ विंड एनर्जी intercepted by its blade into electrical energy, you need to find the electrical power output कितना होगा। ठीक है, तो भाई एक विंड पावर जनरेटर है, यहाँ से अगर कुछ विंड ऐसे कुछ v स्पीड से ब्लो करती है तो आपको जो इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट है वो v के किस प्रोपोर्शनैलिटी से वेरी कर रही है, वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, वी क्यूब, वी फोर, वी के प्रोपोर्शनल है, वो हमें सोचना है ठीक है। तो नॉर्मली तो ऐसे तो फीलिंग तो यही आ रही है कि हाफ एम वी स्क्वायर भैया काइनेटिक एनर्जी होती है और जो पावर होगी वो तो काइनेटिक एनर्जी से ही आ जाना चाहिए, हो जाएगा काम। हाँ वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी क्या एनर्जी, तो वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल होती है, नॉट रियली। अगर हम नॉर्मली सोचेंगे इस क्वेश्चन में तो हमें एक्चुअली में ये सोचना है, हमें देखना है पावर आउटपुट, देखना है पावर आउटपुट। दो तरीके से सोचा जा सकता है, इसमें जो आपका फोर्स लगता है या मोमेंटम फ्लोइंग पर सेकंड अगर आपको याद होगा तो वो कितना जाता था, रो ए वी स्क्वायर ठीक है। अब अगर वो मोमेंटम फ्लोइंग पर सेकंड सारा खत्म हुआ है, कुछ कम खत्म हुआ तो वो हमें वहां से समझ आ जाएगा कि जी एक फोर्स लगेगी यहाँ पे, दैट वुड बी सम k टाइम्स रो ए v स्क्वायर, ऐसे कुछ फोर्स हो जाएगी। एंड पावर जो होती है, पावर इज फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो k इंटू रो ए इंटू v क्यूब, ऐसे कुछ हो जाएगा। ये सब कांस्टेंट है तो आपको दिख जाएगा कि v क्यूब के प्रोपोर्शनल है। बहुत सिंपल सी बात है, क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है ये। तो जो विंड टर्बाइंस होती है जहाँ पे, इस जगह पे, वहां पे वेलोसिटी अगर डबल होती है तो रेट ऑफ आउटपुट ऑफ विंड, रेट ऑफ आउटपुट ऑफ एनर्जी बिकम्स 8 टाइम्स एक्चुअली। सो दैट इज ग्रेट। समझ आई बात ये? ठीक है सर। ये आपने रो ए वी स्क्वायर कैसे लिखा? मैंने रो ए वी स्क्वायर कैसे लिखा? ये मोमेंटम फ्लोइंग पर सेकंड वाली चीज होती है बेटा जी। मोमेंटम फ्लोइंग पर सेकंड में क्या होता है हमारे पास कि जो अगर मास इनटू वेलोसिटी फ्लोइंग पर सेकंड, ऐसा कुछ लिखना चाहते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब मास एक सेकंड में कितना फ्लो कर रहा होगा, मास एक सेकंड में कितना फ्लो कर रहा होगा, डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी। अगेन जैसे वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ना, इनटू वेलोसिटी। तो यहां से ये रो ए वी स्क्वायर का टर्म आता है। और जो फोर्स होती है, दैट फोर्स इज डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। और आप क्या कर सकते हो इसमें, डेल्टा पी बाय टी कर सकते हो। इसे सॉर्ट ऑफ की मतलब आप मोमेंटम फ्लोइंग पर सेकंड का चेंज निकाल लो, ठीक है। तो रो ए वी स्क्वायर अगर इनिशियल मोमेंटम फ्लोइंग पर सेकंड था और वो थोड़ा कम हो गई, वेलोसिटी आधी हो गई, 1/4 हो गई, जो भी हो गई, तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। ऐसा भी कर सकते थे, या फिर इसके अलावा ये भी कर सकते थे कि यार देखो जो टोटल एनर्जी है जो ये मिल रही है वो हाफ एम वी स्क्वायर है, ठीक है, जब भी कोई मास m जाता है। और अगर आप ये सोचो कि व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्ट्राइकिंग दिस इन 1 सेकेंड, तो मास स्ट्राइकिंग दिस इन 1 सेकेंड कितना हो जाएगा? मास क्या होगा, रो ए वी, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम स्ट्राइकिंग पर सेकेंड इनटू वी स्क्वायर। तो जो काइनेटिक एनर्जी इनपुट, जो मतलब उसकी विंड की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ रो ए वी क्यूब पर सेकेंड, इतनी एनर्जी हिट कर रही होगी इसे। उसका कुछ फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है हमें, किसमें? उसका कुछ फ्रैक्शन हमें कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट में। तो बस सिंपल सी, अभी भी वी क्यूब के प्रोपोर्शनल आ गया, ऐसे भी सोच सकते थे हम लोग, ठीक है। तो बोथ दिस आर्गुमेंट्स वुड हैव बीन ओके व्हाइल थिंकिंग अबाउट व्हाई एंड हाउ इट इज प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब, ठीक है बच्चों। लेट अस मूव ऑन, अनदर सिंपल क्वेश्चन। Two small particles of equal masses start moving in opposite directions from a point A in horizontal circular orbit. The tangential velocities are v and 2v respectively as shown in the figure. Between collisions, the particle move with constant speed. ठीक है. After making equal masses, opposite direction v or 2v. After making how many elastic collision? How many elastic collision? Other than that at A. These two particles will again reach a point. अच्छा, अभी देखो क्या होगा, 2v से जब ये दोनों पार्टिकल्स, एक ये 2v से हिट किया, ये से v से हिट किया, क्या लगता है यहां के मीट करेंगे? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि भाई साहब ये जो है ये कम स्पीड से जा रहा है, 23 स्पीड से जा रहा है, ठीक है, यहाँ के मीट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप ये देखोगे तो vt जो हो जाएगा, अगर ये t टाइम बाद मीट करते हैं, थीटा बोलो तो vt जो है वो r थीटा हो जाएगा और 2v इंटू टी हो जाएगा r इंटू 2 पाई माइनस थीटा, बिकॉज ये जो एंगल है ये 2 पाई माइनस थीटा होगा, दूसरा एंगल। समझ आ रहा है लॉजिक? ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 3vt इज इक्वल टू 2 पाई r हो जाएगा, विच टेल्स अस की जो टाइम लगेगा इनके कोलिजन में वो 2 पाई r बाई 3v ऐसे कुछ टाइम लग जाएगा। और थीटा की बात कर लोगे तो 2 पाई r बाई 3v इंटू आर थीटा, 3v इंटू v कैंसिल हो गया, r कैंसिल हो गया, थीटा की वैल्यू 2 पाई बाई 3 आ गई। तो ये असेंशियली ये फीलिंग वाली बात है, यहाँ 2 पाई बाई 3 एंगल मूव करेगा, ये 4 पाई बाई 3 एंगल मूव करेगा। अब इंटरेस्टिंग बात अब नोट करने वाली क्या है, ये भी जो दोनों पार्टिकल कोलाइड करते हैं तो उनका कोलिजन कैसा है? इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन सेम मास के पार्टिकल में क्या होता है, वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है, ठीक है, तो अब इस वाले की वेलोसिटी कुछ 2v हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी कुछ v हो जाएगी। तो अब जब ये अभी कहाँ मीट करेंगे जाके, अब अगर आप नोटिस करेंगे तो ये तेजी से चल रहा है, तो फिर इस बार ये जब मीट करेंगे तो फिर यहां से ये वाला जो पार्टिकल है, ये बिल्कुल सेम ही बात बन गई ना अब ये, कि ये वाला जो पार्टिकल है 2π/3 एंगल कवर करेगा, ये 2π/3 था ही और ये भी 2π/3 हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे आगे मीट करेंगे पार्टिकल, इधर 2v वेलोसिटी से चल रहा है पार्टिकल और इधर वाला v वेलोसिटी से चल रहा होगा। फिर जैसे ही मीट करेंगे फिर से इलास्टिकल कोलिजन अंडर को करेंगे, ये v से मूव करने लग जाएगा इधर की तरफ और ये 2v से मूव करने लग जाएगा इधर की तरफ। ओके, तो फिर ये v से मूव करेगा फिर यहाँ पे आएगा ये। इनफैक्ट इस बार अगर आप नोटिस करोगे तो ये 2π/3 ये कवर करेगा, तो टोटल 2π एंगल हो जाएगा। तो फीलिंग से ही सोचना है, मतलब कोई मैथमेटिकल एकदम से आंसर निकल के आया था, मतलब मैथमेटिकल मतलब कि एकदम से यू विल नॉट बी एबल टू राइट एन इक्वेशन टू गेट एन आंसर इमीडिएटली। सो यहाँ पे इसलिए एक इक्वेशन थोड़ा अजीब भी हो सकता है, बट यहाँ पे 2π/3 फिर से एंगल कवर करेगा, वापस यहाँ पे आ जाएगा। सो दैट इज इट। सो हाउ मेनी कोलिजंस? 2। एक कोलिजन यहाँ पे हुआ, फिर एक कोलिजन यहाँ पे हुआ, तो 2 कोलिजन बाद द पार्टिकल विल रीच अगेन। एंड अदर देन दैट ए वाले कोलिजन को इंक्लूड नहीं करना था, इन्होंने बोला हुआ था। ओके, बताओ कुछ डाउट है इसमें? तो समझ आई बात? मतलब ये बात क्या है इस क्वेश्चन में, एक तो ये चीज समझ आनी चाहिए। दो बातें हैं, एक बात ये कि भाई साहब ये मीट कहाँ करेंगे, ठीक है, ये v से इधर जा रहा है, ये 2v से इधर जा रहा है, ये मीट कहाँ करेंगे सर्कल में। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन आई बिलीव, मतलब बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है टू गेट की कहाँ मीट करेंगे। ठीक है, जो θ = 2π/3 जो एंगल निकला है। उसके बाद दूसरी बात ये है कि कोलिजन, जब इलास्टिक कोलिजन होता है सेम मास के ऑब्जेक्ट्स में, तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है, तो उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये नहीं सोच पाएंगे कि वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है तो फिर हमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। हम इक्वेशन लिखेंगे m1v1 + m2v2 वो सब बैलेंस करेंगे, वहां से करेंगे रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन लिखेंगे। सो दैट्स ओके, वो हम मैनेज कर लेंगे यहाँ पे। दैट इज कि इसकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी तो वो हम सोच सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी विल थिंक अबाउट दिस प्रॉब्लम। इज इट ओके गाइस? ठीक है, सो होपफुली इट इज फाइन। Moving on in energy and momentum, there is another question that we can talk about, which is look at the drawing given in the figure which has been, मतलब ये IIT का question है, ये भी there is some particular IIT advanced question है ये, ठीक है। and yeah, मतलब देखो question में देख के ना बहुत बार ऐसे questions को ऐसे word किया जाता है कि आपका दिमाग घूम जाए, वो दिमाग मत घूमने दो। It everything should be fine. Look at the drawing given in the figure. हम भी किसी की शक्ल बनाई दी है, उन्हें बहुत अच्छी लग रही है। The mass of the ink used, mass of the ink मतलब दिमाग खराब हो रहा है, क्या बकवास हो रही है। Ease of ऐसे कुछ ड्रॉ किया है, 2 लाइन सेगमेंट है, 2 इनर सर्कल है, मतलब ये तो रिपीट ही हो रहा है स्टेटमेंट। हाँ, आउटर सर्कल इसका 6m मास है, तो इट्स इनर, ये जो लाइन है इसका मास m है, इसका मास m है, इसका मास m है, इसका मास m है और इसका मास 6m है। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। The coordinates of the center पर different parts are, outer circle का center हमें पता है 0,0 पे है, मान लेते हैं 0,0 है, और फिर लेफ्ट इनर सर्कल का -a, +a, राइट इनर सर्कल का a, ठीक है, 0,0 से राइट इनर वर्टिकल लाइन का ये सेंटर यहीं पे है, इसका सेंटर भी, और हॉरिजॉन्टल लाइन का ये 0,- है। बहुत अच्छी बात है। अब आपसे पूछा भाई कि वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द इंक इन दिस ड्राइंग इज, इस ड्राइंग का जो सेंटर ऑफ मास होगा इंक का, उसका सेंटर, मतलब सेंटर मास का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। बहुत ही अच्छी बात है। वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बस गलती ये मत करना कि ये डिस्टेंसेस बर्बाद करने लग जाना। सिंपली m1 y1 का सम डिवाइडेड बाय टोटल मास, ऐसा कुछ करना है। अब m1 y1 का सम जब मुझे करना है तो ये वाला जो वर्टिकल लाइन है इसके लिए 0 हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए m (-a) हो जाएगा, और ये जो दोनों सर्कल है इनके लिए 2m (a) हो जाएगा, क्योंकि m a हो जाएगा, और जो 6m वाला है इसके लिए 0 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है सिस्टम का, m + 3m 4m और 6m, ऐसे कुछ हो जाएगा, विच वुड बी ma by 10m 6m + 4m होगा ना, तो टू एम ए माइनस एम ए अपॉन टेन एम, जब मैं देखूंगा तो ये आ जाएगा एम, एम तो कैंसिल ही हो जाएगा, ए बाई टेन, दैट विल बी योर आंसर। ओके, तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बट एग्जाम में करते समय डर लगेगा क्या कर रहे हैं हम लोग, इतना अजीब सा शेप है कुछ ऐसा है, बट अगेन हमारे पास एसेंशियली एक दो तीन चार पांच ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका सेंटर ऑफ मास निकालना है, और वो बहुत सिंपल से ऑब्जेक्ट्स हैं उनके, हर एक का इंडिविजुअल का सेंटर ऑफ मास इन्होंने खुद दे ही रखा है ऑलरेडी हमें। इज इट फाइन? ठीक है, होपफुली वी कैन सी दिस। Let us look at another problem. Potential energy of a 4 kg particle free to move along the x-axis varies with x according to the following relationship. The potential energy है, उसका relationship दे रखा है, वो है x³ - 5x² + 6x + 3। ठीक है जी, समझ आ रहा है क्वेश्चन यहाँ तक? तो ठीक है, कुछ ही नहीं है सब क्वेश्चन समझने वाला। Now the total mechanical energy is 25.5 joules. The maximum speed of the particle पूछी जा रही है। The total energy जो दे रखी है वो 25.5 joule दे रखी है। आपसे बोला हुआ है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बता, मतलब मैक्सिमम स्पीड बतानी है। मैक्सिमम स्पीड कब होगी? जब काइनेटिक एनर्जी बतानी होगी। अब काइनेटिक एनर्जी हो कितनी जाएगी ये बता सकते हो आप? Can you tell me what will be the expression for kinetic energy in this case? बिल्कुल बता सकते हैं भैया, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना होगा तो हम क्या कर सकते हैं? That will be total energy minus the potential energy. That would basically become 25.5 minus x³ + 5x² - 6x - 3, और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 22.5 आ जाएगा। Is it okay? अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन फिजिक्स खत्म हो गई। फिजिक्स सिर्फ ये थी कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज टोटल एनर्जी। क्वेश्चन अब मैथमेटिक्स है, मैक्सिमम स्पीड निकालनी है आपको, काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ये एक्स पे डिपेंडेंट है। तो अब आप क्या करोगे? काइनेटिक एनर्जी का अगर आपके पास एक्सप्रेशन आ गया तो आप dk/dx निकालोगे, which is -3x² + 10x - 6, ऐसे कुछ एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। हाँ हर्ष बेटा बोलो, क्या प्रॉब्लम हुई बेटा? भैया हमने इसके अंदर 25.5 को ही काइनेटिक सॉल्व नहीं किया। क्या 25.5 कोई काइनेटिक एनर्जी मांगे, क्यों सॉल्व नहीं किया हमने इसको? बेटा जी टोटल मैकेनिकल एनर्जी 25.5 दे रखी है जी भैया, और पोटेंशियल एनर्जी ये है जी भैया। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है और टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो अच्छा हाँ, पोटेंशियल नेगेटिव भी हो सकती है शायद से। ये टोटल पोटेंशियल, टोटल एनर्जी तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक है ना जी भैया। अच्छा आप कह रहे हो कि सारी काइनेटिक एनर्जी को 25.5 मान लो, पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कर लो। जी भैया पर वो नेगेटिव है बेटा, हमें पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दे रखा है। आप ऐसा कर सकते थे, ये बात आपकी बात ठीक है कि भैया इसकी यू की मिनिमम वैल्यू निकलवा दो ना, आप ये क्यों कर रहे हो? यू की मिनिमम वैल्यू पे काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज ओके, फिर आपको निकालनी पड़ेगी ना। सेम बात है, यू की मिनिमम निकालोगा, के की मैक्सिमम निकालो, इफेक्टिवली दे आर सेम थिंग्स जी भैया। ठीक है, एंड देन अगेन इसको जब हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो अगेन यू कैन ट्राई, माइनस साइन को अलग कर सकते हो, 3x² - 10x + 6, तो क्या कर सकते हैं, ये फैक्टराइज हो जाएगा क्या? 18, 9 × 2, 6 × 3, फैक्टराइज नहीं होगा क्या ये? भैया नहीं हो रहा, √b² - 4ac 28 आ रहा है। ओके हो, चलो जो भी है, मतलब अगेन दैट इज फाइन। सो मतलब x माइनस कुछ ये a1 and x minus alpha और x minus beta ऐसे कुछ आ जाएगा ये, and then there will be an alpha, there will be a beta, either negative plus or minus ऐसे कुछ होगा। And essentially what we will do is कि this is a point of local minima and this is a point of यहाँ पे फिर क्या होगा, जो डेरिवेटिव है उसकी स्लोप देख रहे हैं ना, एंड यहाँ पॉजिटिव लोकल मैक्सिमा आ रहा है, यहाँ पे यहाँ से स्लोप ऊपर जाएगी, लोकल मिनिमम वाला पॉइंट है तो ऐसे नीचे आएगा कर्व और फिर ऊपर जाएगा और फिर ऐसे आएगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी की अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है हमें, तो व्हाट वुड बी द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी? तो माइनस इंफिनिटी पे आएगी बेसिकली, नहीं क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है गाइस। देयर इज सम प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन बिकॉज एक्स एक्सिस के अलावा मूव करना है आपको। ये हो सकता है कि इसमें एक सी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही गिवन होती, कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता अगर यहाँ पे ये, तो फिर शायद हम निकाल सकते थे कि क्या होगा, बट यस इट इज नॉट, थोड़ा सा कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है, मतलब अगेन एसेंशियली इस एक्सप्रेशन में कुछ गड़बड़ है बिकॉज ये फैक्टराइज भी नहीं हो रहा था, तो मुझे लग ही रहे थे कुछ गड़बड़ है इसमें। मतलब ये आइडिया इसकी इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कुछ है नहीं ना, क्योंकि मिनिमम वैल्यू तो माइनस इन्फिनिटी है इसकी, मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी है। सो मतलब दैट इज गोइंग टू बी अ थिंग, आई डोंट थिंक वी विल बी एबल टू गेट एन आंसर इन दिस। समझ आ रही है बात ये? यस, ठीक है। मतलब बट अगेन एसेंशियली इफ वी लुक एट कि किस तरीके से आंसर निकलना है, तो वो बात सिंपल है कि यार हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू निकाल लो तो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो दैट इज ओके, इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट हम क्यूबिक इक्वेशन में कुछ ध्यान नहीं दिया, बट ठीक है दैट्स ओके। मूविंग ऑन, लेट अस लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अ सिंगल कंजर्वेटिव फोर्स acts on a 1 kg particle that moves along the x axis where and the potential energy is given as u is equal to 20 plus x minus 2 का square where x is in meters. At x equal to 5 meters, the particle has a kinetic energy of 20 joules. Great. ठीक है? What is the mechanical energy of the system? पहला क्वेश्चन ये है कि what is the mechanical energy of the system? ये बताना है। अब मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम अगर हमें निकालना है इन दिस क्वेश्चन, तो वो कैसे निकल के आएगा? पोटेंशियल एनर्जी इन्होंने दे रखी है, अगर अब देखो एट एक्स इक्वल टू 5 इन्होंने काइनेटिक एनर्जी भी देखी है, जो मैकेनिकल एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी है बेसिकली, द टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब हमें एज सच तो कहीं पे भी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पता नहीं है, मतलब जनरल काइनेटिक एनर्जी और पॉइंट भी नहीं पता, बट हाँ एक्स इक्वल टू 5 पे पता है। तो एट एक्स इक्वल टू 5 अगर हम पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी? 20 प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर विच इज 29 जूल्स। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी देखिए 20 जूल्स, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी इस पॉइंट पे? 49 जूल्स। तो टोटल एनर्जी तो कॉन्स्टेंट ही होती है, तो 49 जूल्स आपकी टोटल एनर्जी आ जाएगी। ये बात समझ आ रही है? बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब वो कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स को प्लॉट कर दो -10 से +10 तक, तो कोई बात ही नहीं है, वो तो बहुत सिंपल सा प्लॉट है। y इज इक्वल टू 20 प्लस x माइनस 2 का स्क्वायर है विच इज इफेक्टिवली y माइनस 20 इज इक्वल टू दिस। तो पैराबोला ही है, तो ये तो सिंपली जिसका सेंटर कहाँ पे है, इस पैराबोला का सेंटर कहाँ पे है? 2,20 पे इसका सेंटर है, मतलब हाँ वर्टेक्स जो है ओपनिंग अपवर्ड्स, ऐसा कोई पैराबोला ही है हमारे पास। दिस इज द पैराबोला दैट वी हैव। ये बात समझ आई? तो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन हम जब ड्रॉ कर रहे हैं तो ऐसे कुछ है, एंड ऑन द सेम हाफ ड्रॉ द लाइन दैट रिप्रेजेंट्स द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मैकेनिकल एनर्जी की अगर बात की जाएगी, तो अगर मैकेनिकल एनर्जी की बात की जाएगी तो मैकेनिकल एनर्जी के लिए मैकेनिकल एनर्जी 49 जूल्स है, वो कुछ है हम पे ऐसे कुछ हो जाएगा 49 जूल्स ऐसे कुछ मैकेनिकल एनर्जी है, उसकी लाइन तो हॉरिजॉन्टली आ जाएगी, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखो ये एक इंटरेस्टिंग बात है, ये बहुत बार पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दे देंगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी दे देंगे और आपसे लीस्ट और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स पूछ लेंगे। नाउ उसमें आपको कुछ नहीं करना होता, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। नाउ काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी माइनस द पोटेंशियल एनर्जी, दैट वुड बी 49 माइनस 20 प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, दैट इज 29 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, दैट इज इट। Now you, what you have to do is you just have to say कि only those values of x are allowed जब kinetic energy greater than equal to zero होगी, क्योंकि kinetic energy जब greater than equal to zero होगी वही वाले x values allowed होंगी, which is essentially saying x minus 2 का square is less than equal to 29, which is like x minus 2 is between minus root 29 plus root 29 के बीच में आ जाए, which is like x is between 2 minus root 29 and 2 plus root 29. Simple सी बात। Are we able to understand this? Yes. तो यहां से हमारे को ये पता चल जाएगा कि जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स हो सकती है वो, so x belongs to 2 minus root 29 और 2 plus root 29. बहुत सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाल के उसे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करना है, दैट्स इट, टू फाइंड आउट द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये बाद में ये इंपॉर्टेंट इसलिए पता है, ये कुछ पूछते इसलिए इतनी बार है क्योंकि बाद में आप क्वांटम मैकेनिक्स में ये पढ़ोगे कि there would be, you will calculate quantum mechanics में, ये आपको याद होगा ये क्या होता था, एक Schrödinger wave function and it used to give, अगर इसको स्क्वायर करते थे तो क्या निकल के आता था, याद आ रहा है? probability distribution आता था कि probability कितनी होगी कहीं पे पार्टिकल को कहीं पे फाइंड करने की। और इस केस में when you try calculating it तो you will see कि even outside this x there will be a non-zero probability of finding the particle. Now you would not be able to understand how is it possible कि particle तो वो potential energy barrier है कि वो उसकी kinetic energy मतलब उसे cross ही नहीं कर सकता, वो उसकी kinetic energy तो उसकी उसी negative आ रही है kinetic energy, तो कुछ अजीब सी कहानी हो जाती है। तो quantum tunneling effect नाम की कुछ चीज होती है कि मतलब अगर कुछ यहाँ से मतलब कोई पार्टिकल ऐसे ऊपर जाएगा, अगर पोटेंशियल एनर्जी का कर्व होता है, कोई पार्टिकल ऊपर जाता है, इस पोटेंशियल एनर्जी कर्व में अगर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, अगर उसकी टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से कम हो जाए तो वो इस पॉइंट को क्रॉस नहीं कर सकता ना, ऐसी कुछ फीलिंग होती है। बट वो हमें यहाँ पे मिल जाता है पार्टिकल एक्चुअली में, वो क्या फंडा होता है कि टनलिंग हो जाती है कुछ ऐसे, ये कुछ फीलिंग होती है इसमें क्वांटम मैकेनिक्स में। यू विल स्टडी दैट, अगर आप फिजिक्स के कोर्सेज करोगे तो यू विल स्टडी क्वांटम टनलिंग वगैरह कुछ। अगेन मेरा एम उसको पढ़ाने था, मैं तो बस ऐसे ही बता रहा हूँ कि क्या कहते हैं ये पूछ, ये मतलब ये बहुत ही टुच्चा सा क्वेश्चन है बट बहुत बार पूछा जाता है, मतलब बहुत बार, क्योंकि एग्जामिनर को भी मजा आता है ना, अरे मेरे बच्चे से कुछ ऐसा पूछ लिया जो मैं से बाद में पढ़ाऊंगा तो फिर मैं इनको क्लास में एग्जाम्पल दूंगा, देखो तुम्हारे जेईई के पेपर में आया था ये और तुमने देखो ये गलत किया होगा, देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको कैसे मतलब तुमने गलत किया होगा, तुम्हें समझ आ गया होगा वहाँ पे, देखो उस चीज को गलत प्रूव करते हैं कि ऐसा सच नहीं है। आर वी क्लियर अबाउट इट? ठीक है बकवास। अब उसके बाद वैल्यू ऑफ एक्स एट विच इट अकर्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बाय काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन ये है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑब्वियसली 29 है एट x इक्वल टू 2, x माइनस 2 का स्क्वायर सबट्रैक्ट हो रहा है ना, ग्रेटर देन 0 वैल्यू हमेशा। बात समझ आ रही है? ये x माइनस 2 का स्क्वायर जो है वो तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ 29 माइनस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, तो ऑब्वियसली इसकी मैक्सिमम वैल्यू 29 है। और कब है वो, जब एक्स की वैल्यू 2 के बराबर है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? अर्जुन, आनंद, समझ आ रही है बात? यस सर। थोड़ा नॉट वॉट कर दिया अगर समझ आ रही है तो ठीक है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ फोर्स एट एन फंक्शन ऑफ एक्स, ये तो घटिया सी बात है। फोर्स क्या होता है, माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है, एंड दैट वुड बी हाउ मच, दैट वुड बी माइनस ऑफ, अगेन यू का एक्सप्रेशन कहाँ गया, यू का एक्सप्रेशन तो ये था ना, सो माइनस ऑफ 2 टाइम्स एक्स माइनस 2 ऐसे कुछ हो जाएगा। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ एस एच एम ना, एस एच एम की इक्वेशन है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, और x माइनस 2 आपको लग रहा होगा ये x माइनस फोर्सेस डायरेक्टली माइनस के एक्स होना चाहिए था, बट ये आपको बाद में समझ आ गया होगा कि माइनस के टाइम्स एक्स माइनस ए हो सकता है, क्योंकि इट इज डूइंग एसएचएम अबाउट x equal to 2 ना एक्चुअली में। तभी देखो 2 plus root 29 और 2 minus root 29 एक्चुअली में ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है 2 के अबाउट, ऐसे कितना एम्पलीट्यूड से, रूट 29 एम्पलीट्यूड से। तभी तो वो 2 plus root 29 और 2 minus root 29 के बीच में आया था, बट जो उसका डिस्प्लेसमेंट था, अरे ये पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन है क्या, क्या कहते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर होता था, एक्स की जगह एक्स माइनस 2 का स्क्वायर है और यू बस यू 020 ऐड किया हुआ है, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आर वी क्लियर? ठीक है। कोई पूछ ले कि भाई टाइम पीरियड ऑसिलेशन क्या होगा, टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर द रूट m बाई के की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, ये देखो 2 हो गई के की वैल्यू, 2 पाई अंडर द रूट m की वैल्यू कितनी थी, 1 थी ना शायद, 1 kg का पार्टिकल था। हाँ, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अगर पूछ लिया कोई तो वो बता दोगे। वो अगेन नो वो दैट इज स्पेसिफिक टू दिस केस वेयर इट इज एन एसएचएम। अगर यहाँ पे एक्स क्यूब का एक्सप्रेशन होता है कुछ और होता तो इन दैट केस एसएचएम शायद नहीं आ रहा होता। इज दैट ओके? तो सिंपल सी बात है। So are we able to understand energy and momentum, guys? So these were level 1 problems of energy and momentum. जो हम बात कर रहे थे kinematics ही effectively वो मेरे दिमाग में, that's the way it is. Okay. Now let us move on to the next part of today's class, that is energy and momentum का level 2 problems का set. ठीक है? This ideally should be a level 1 problem because we know how to solve this already, but let's see. A bob of pendulum is projected with horizontal velocity √3gl, which basically would imply कि इस point को तो cross कर जाएगा but vertical circle complete नहीं करेगा। vertical circle के लिए √5gl चाहिए होता था और इस point को cross करने के लिए √2gl चाहिए होता था, मतलब ये बीच में किसी point पे आके circular path leave करने वाला है। Find the angular displacement of this string before it becomes slack. Find the angular displacement of this string before it becomes slack. So we could very simple सी बात है, there would be a particular point where it will become slack. वहाँ पे थीटा की वैल्यू निकाल लोगे तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो पाई माइनस थीटा हो जाएगा, जो हमें निकालना है। अब पाई माइनस थीटा उसी फॉर्म में लिखे हुए हैं सारे, देख लेते हैं क्या थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये निकालना है हमें थीटा की वैल्यू क्या आएगी। ओके, तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए तो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। देखो इस पॉइंट पे इधर टेंशन कुछ लिया जाएगा, mg कुछ ऐसे होगा, इधर की तरफ mg का एक कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा। तो मैं कहता हूँ कि टेंशन को जीरो करना है, तो mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई l करना होता था, विच वुड इम्प्लाई v की वैल्यू अंडर द रूट gl cos थीटा आ जाएगी। ये आपको याद भी होगा तो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कराना होगा हमें, m हाफ m3gl, ये इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी है माइनस, so there is a loss in kinetic energy as it is coming up half mgl cos theta, which goes into gain in kinetic energy, which is mgl 1 plus cos theta, ऐसे कुछ हम कर सकते हैं। ठीक है, तो 3/2 minus mgl mgl/2 हो गया, on the right hand side 3 mgl/2 हो गया cos theta, mg cancel हो गया, lb cancel हो गया, cos theta की वैल्यू आ गई 1/3, which implies theta is equal to cos inverse 1/3, which means कि जो angular displacement है pi minus cos inverse 1/3 आ जाएगा। Is that okay? This is the correct answer. It's a very simple question। मतलब level 2 में डालने का सिर्फ ये कारण है कि भाई ये string slack होना मतलब was not that obvious thing for us to do। इसमें एक और चीज पूछ लेते थे, maximum height above the bottommost point, उसमें क्या कर लेंगे हम लोग, इधर l है और ये l cos थीटा है, l cos थीटा की वैल्यू जाएगी l/3, तो मैक्सिमम कितनी हो जाएगी 4l/3 हो जाएगी। नहीं, वी अंडरस्टैंड दैट कि इसके बाद इसका फ्री प्रोजेक्टाइल मोशन एक और होता है ना, और उसके लिए हमें उस पार्ट की हाइट निकालनी पड़ती है, विच इज अ लिटिल मैथमेटिकल थिंग टू डू, मतलब इट टेक्स टाइम फॉर अस टू गेट एन आंसर फाइनली इन दैट, बट इफ यू हैव कॉन्फिडेंस देन इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। v की वैल्यू आपको पता चली गई होगी अंडर द रूट gl/3, मैक्सिमाइट होती है वो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होती है। ठीक है, तो वो u स्क्वायर की वैल्यू gl/3 हो गई, साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा इज 1/3, तो साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 8/9 हो जाएगा अपॉन 2 इंटू g, g इज 10 और g इज g, तो g कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे ये से, और ये 4 हो जाएगा, 4L/27 ऐसे कुछ आ जाएगा। तो 4L/27 प्लस 4L/3, तो जब हम उसे ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा ना ऊपर, 40L/27 ही आंसर आ जाएगा। ओके ठीक है, मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉटम मोस्ट पॉइंट। सो मतलब वही अगेन, देखो यार ये सब चीजें ना, यही जो हम बोलते थे हमेशा से कि यार ये क्वेश्चन होगा नहीं कि सॉल्व, मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉटम मोस्ट पॉइंट का क्वेश्चन आएगा ना, तो मतलब सॉल्व होगा मतलब, बट only a very few set of students will be able to do। उस क्वेश्चन में कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, but only a very few students will be able to do। So वो वाली कहानी है कि वो हमें चीज़ को अच्छे से कर लेना। Another problem, this was also something which was discussed in the class। एक particle है, यहाँ से छोड़ा है, उसे horizontal छोड़ते थे but कोई नहीं, यहाँ से इसे छोड़ दिया है, रिलीज किया है। जब रिलीज करेंगे तो by the time ये string vertical होगी, there would be a velocity this particle will have। यहाँ पे एक nail है, अब इस nail की वजह से क्या होता है कि ये वाला पॉइंट फिक्स हो जाता है, तो ये इसके अबाउट घूमने लग जाता है, इस नेल के अबाउट। नाउ यू वांट इफ द पार्टिकल जस्ट कंप्लीट्स द वर्टिकल सर्कल अबाउट n, तो h की वैल्यू निकालनी है। जस्ट कंप्लीट द सर्कल की बात है, तो अब देखो जस्ट कंप्लीट द सर्कल है, तो ये जो हाइट हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी l माइनस h हो जाएगी। तो ये जो वेलोसिटी होनी चाहिए 5g l माइनस h का रूट, ये वेलोसिटी होनी चाहिए। समझ आना चाहिए कि अगर जस्ट सर्कल कंप्लीट करना है तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी रूट 5g l माइनस h होनी चाहिए। और अगर 60 डिग्री एंगल पे आप छोड़ रहे हो तो देयर इज अ लॉस इन जीपी, mg l माइनस l/2, l cos 60 डिग्री यहाँ पे कुछ होगा, दैट इज द लॉस इन जीपी। एंड लॉस इन जीपी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, और v की वैल्यू को यहाँ से डाल दो 5g l माइनस h। m का हो गया g का, mg और g दोनों कैंसिल हो गए, l/2 आ गया इधर, l/2 है इधर, ये भी कैंसिल हुआ, कैंसिल हुआ इधर, तो l/5। सो l माइनस h इज l/5, तो h इज इक्वल टू 4l/5। दैट इज द आंसर, एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट। इज इट ओके? तो मतलब मैं देखो, मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व। I understand it is not possible that maybe you are not able to, you will not be able to do it so quickly. So in that scenario, I would say कि try to look at this particular question कि ये देखो velocity, अब √5g l माइनस h क्यों किया? √5g l होती थी velocity, minimum velocity at the bottom most point, तो just complete the circle। हाँ, तो obviously इसका radius जो हो गया वो l माइनस h रहेगा, ठीक है। उसके बाद conservation of energy, ये जितना जल्दी आप इन equations को लिखोगे, loss in GP, mg l cos 60 डिग्री ऐसे करोगे, जितना जल्दी आप इन इक्वेशंस को लिख पाओगे उतना जल्दी आप अपने आंसर्स को सॉल्व कर पाओगे। कुछ बेसिक इक्वेशंस हैं, उनको जल्दी करने की कोशिश करोगे तो ओवरऑल राइट आंसर्स आते हैं। और कोशिश करो कि गलतियां हो रही हैं तो कॉन्सेप्चुअली सोचोगे कॉन्सेप्चुअली क्या हो रहा है। अ थिन रॉड l ऑफ लेंथ l इज लाइंग अलोंग द x एक्सिस, देयर इज अ थिन रॉड ऑफ लेंथ l व्हिच इज लाइंग अलोंग द x एक्सिस, विद दिस एंड्स एट x equal to 0 and x equal to l। एक रोड ऐसे है, x equal to 0 है यहाँ पे, एक x equal to l है। तो अब अगेन इस लीनियर डेंसिटी की बात करी हुई है, एट एनी x उसकी जो डेंसिटी दे रखी है लैम्डा, वो दे रखी है k times x by l raised to power n, where n can be 0 or any positive number, ठीक है कोई बात नहीं। इफ द पोजीशन x cm ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड, जो इसकी पोजीशन है x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इज प्लॉटेड अगेंस्ट n, तो अब इसका x कोऑर्डिनेट, सेंटर मास कोऑर्डिनेट क्या आता था ये याद है, ठीक है। तो वो हो जाएगा x dm का इंटीग्रल अपॉन टोटल मास का, टोटल मास दैट वुड बी द x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर मास, दैट इज एज सिंपल एज इट इज। तो अब dm का इंटीग्रल जब करेंगे तो x इंटू dm क्या होगा, लैम्डा dx, और लैम्डा की वैल्यू इन्होंने दे रखी है k टाइम्स x रेज टू पावर n अपॉन l रेज टू पावर n। अपॉन dm का इंटीग्रल करेंगे तो वो लैम्डा dx का इंटीग्रल हो जाएगा, वो k टाइम्स x टू द पावर n l टू द पावर n का इंटीग्रल हो जाएगा, 0 से l तक ये भी, 0 से l तक ये भी। ये x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास लिख रहा हूं मैं, अभी तक मैंने कुछ लिखा नहीं, मतलब दिस इज हाउ यू शुड बी एबल टू डू इट इन योर हेड। क्या x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का हमने एलिमेंट कंसीडर किया, उस एलिमेंट का dm मास देखेंगे तो वो लैम्डा dx होगा, लैम्डा की वैल्यू कितनी है वो हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से k की वैल्यू कैंसिल हो गई, l रेज टू पावर n भी कैंसिल हो गया, ये एक्स टू द पावर एन प्लस वन का इंटीग्रल है, ये एल रेज़ टू पावर एन प्लस टू अपॉन एन प्लस टू आएगा डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे नीचे एल रेज़ टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन आएगा, ये इससे कट के एल बच जाएगा। तो एल इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस टू, दैट इज योर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। नाउ यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस, एन के साथ ड्रॉ करना है ना ग्राफ इसका। तो भाई साहब कैसे बनेगा इस चीज का ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा इसका? भाई एन को अगर आप जीरो मान लें, एन को जीरो कर दें, विच इज अ यूनिफॉर्म रॉड, तो एन के जीरो करते ही ये एल बाई टू हो जाएगा, एल बाई टू से स्टार्ट होगा, और एन को बढ़ाते जाएं तो एन अगर इन्फिनिटी से, अगर आपको ये ग्राफ हमने प्लॉट करना सीखा है यार, दिस इज अ ग्राफ इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, इसको प्लॉट करना हमने सीखा है कि इसमें एसिम्प्टोटिक वैल्यू कितनी है। अगर मैं इन्फिनिटी डालता तो 1/n 2/n करूंगा तो 1 हो जाएगा, ये l के बराबर होना है, ऐसे कुछ ये ग्राफ आने वाला है। दिस इज हाउ दिस ग्राफ, दिस इज नॉट गोइंग टू बी दिस, कांस्टेंट तो आएगा नहीं, डिक्रीज भी नहीं हो रहा, l/2 से स्टार्ट होके उधर जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे बीच में घूमने फिरना, तो ये तो कुछ अजीब सी बात लग रही है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन नहीं है ये। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन में पर डरना नहीं है। अगर मैं सिंपल सी बात बोलूँ कि ये ऐसे कुछ एक्सप्रेशन था और मैं पूछ दूं सेंटर मास कहाँ पे होगा, तो वो आप निकाल सकते हो। अब उसको ग्राफ प्लॉट करना है, वो सोचने वाली बात थी, वहां पे दिमाग खराब होता है कि ग्राफ क्यों प्लॉट करवा रहे हैं, सिंपल से पूछ लेते ना कि सेंटर मास कहाँ है तो आसान होता। तो वो वही कोशिश करता है एग्जामिनर की, 2-3 छोटी छोटी चीजें ऐड कर देता है जिससे आपको चीजें समझ आनी बंद हो जाए, मतलब जिससे आपको डर लगने स्टार्ट हो जाए, तो आप वो 2-3 छोटे छोटे स्टेप्स ना ले पाओ। तो छोटे स्टेप्स लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज एवरी डिफिकल्ट क्वेश्चन इज मेड अप ऑफ इजी small easy questions. Okay, great, moving on, what is this next question that we can talk about? A particle which is constrained to move along the x axis is subject to a force in the same direction which varies with distance x of the particle, so उसपे एक force लग रही है which is equal to -kx plus ax3, particle वैसे force लग रही है where k and a are positive constants, k और a की वैल्यूज है पॉजिटिव। राइट, नाउ फॉर x greater than equal to 0 the functional form of the potential energy of the function क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन का जो ग्राफ है वो दिखाना, सिंपल है। पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स का एक्सप्रेशन दे रखा है, अगर पोटेंशियल एनर्जी दे रखा होता है तो फोर्स इज इक्वल टू -du/dx, इसमें ऑब्वियसली इधर ले जाओ तो du इज इक्वल टू -f dx, और इसे इंटीग्रेट कर दो u के लिए, तो सिंपल सी बात है u इज इक्वल टू -kx प्लस ax3 और माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ -kx प्लस ax3 dx, ऐसे कुछ करना होगा हमें, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा, विच इज kx2/2 माइनस ax4/4, दैट इज अ पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन एसेंशियली। मतलब यू कैन ऐड सब्ट्रैक्ट एनीथिंग इन दिस एक्सप्रेशन, बट या दैट्स ओके, मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी को अज्यूम करके है ना कि 0 पे 0 मान लिया, तो 0 से x तक इंटीग्रेट कर लिया टाइप्स, और यहाँ पे भी 0 पे 0 मान लिया, सो ऐसे कोई जरूरी नहीं है, वो देख सकते थे, ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाएगा। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, kx2/4 2 माइनस ax4/4 का ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? बहुत सिंपल ग्राफ है, x2 को कॉमन लो, k/2 माइनस ax2/4, समझ आ रहा है ये? हाँ, x = 0 इज अ डबल रूट, फिर x = प्लस में कुछ ऐसा पॉजिटिव वाले पार्ट में देखना है तो वहां पे एक रूट आएगा, सो मतलब अगेन समथिंग -x होगा कुछ इनटू b प्लस x, ऐसे कुछ होगा, एंड देन ये वाला टर्म b से पहले इधर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, ऐसे कुछ बनना है। तो 0 पे से लेस वाले तो देखना ही नहीं है, तो ये नेगेटिव वाला पार्ट है, यहाँ पे ऐसे कुछ जाएगा, so when I try plotting this curve, तो ये कर्व प्लॉट करना, ये अगेन फिजिक्स में ये दिस इज अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, बट मैथमेटिक्स के लिए तो इट इज अ वेरी इजी प्रॉब्लम, ठीक है, ऐसे कुछ ग्राफ आएगा। तो अब इनमें से कौन सा ग्राफ हो सकता है? ये वाला ग्राफ नहीं हो सकता क्योंकि जीरो से कम जाना ये नहीं हो सकता, ये तो नीचे, ये तो नहीं सकता, ये भी नहीं हो रहा, ये ग्राफ कुछ ऐसा कुछ ग्राफ। ओके ठीक है, सो होपफुली वी कैन अंडरस्टैंड। जो डाउट है इसमें तो पूछ लो। ठीक है गाइस, मतलब डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन यू फर्दर व्हाई द ग्राफ दिस इज दिस? आई कैन डू दैट इफ इट इज नॉट क्लियर। ठीक है, क्योंकि बहुत बार मैं खुद से सॉल्व करवाता हूँ ना, तो मैं ध्यान नहीं देता कि आपको समझ आया नहीं आया, सो वाली बात है। तो इसलिए इफ इट इज नॉट क्लियर देन प्लीज आस्क। ओके, another problem, the work done on the particle by this force, force का expression दे रखा है k into x upon x square plus y square raised to 3 by 2 i cap plus y upon x square plus y square raised to 3 by 2 j cap. When the particle is taken from a comma 0 to 0 comma a along a circular path of radius a about origin, then उसका work done कितना होगा? तो भाई साहब force की अगर हम बात करें तो हम लेके जा रहे हैं कि a comma 0 से 0 comma a पे लेके जा रहे हैं, एंड दैट टू अबाउट अ सर्कुलर पाथ। तो अब यहाँ पे वर्क डन निकालना है कि वर्क डन की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, अब वर्क डन की वैल्यू जब निकालेंगे तो वो f.dx का इंटीग्रल f.dr का इंटीग्रल होगा। अब f.dr का इंटीग्रल इन दिस केस kx dx प्लस y dy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 3 by 2। अगेन फिजिक्स वालों के लिए बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, बट मैथ्स वालों के लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये a कॉमा 0 से 0 कॉमा 1 तक। क्यों मैथ्स वालों के लिए आसान क्वेश्चन है? क्योंकि इसे इंटीग्रेट अगर करना है तो डू यू सी अ वेरी स्टैंडर्ड फॉर्म, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाली कहानी नहीं बन रही। क्या हो जाएगा ये? दिस इज नथिंग बट d ऑफ x square plus y square by 2, 2 को बाहर लिख लो, ऐसे कुछ है। ओके, वो जो x dx plus y dy था, ये समझ आया ये x dx और y dy आया क्यों? क्योंकि जो dr होगा वो dx i cap plus dy j cap होगा। f डॉट dr जो है वो x dx प्लस y, तो i वाले के साथ डॉट डॉट मल्टीप्लाई होते हैं, y वाला dy के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐसे कुछ होगा। x dx प्लस y dy इज हाफ ऑफ d ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ग्रेट, एंड दिस इज बेसिकली dt अपॉन, सो k by 2 dt अपॉन t रेज़्ड टू पावर 3 by 2 है। तो इसका इंटीग्रेशन जब हम देखेंगे तो t रेज़्ड टू पावर -1/2 व्हिच इज 1/√t अपॉन 1/2, तो 2 ऐसे कुछ आ जाएगा, माइनस भी होगा इसमें, लिमिट्स कुछ होंगी वो देख लेंगे हम लोग। तो ये हो गया 2 2 कैंसिल हो गया इधर, तो माइनस k अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, एंड लिमिट्स जो है हमारी वो 0 comma a comma 0 से 0 comma a तक जा रही है। इज इट फाइन? ठीक है, and then eventually we should be able to understand this कि यहाँ डालेंगे तो ये माइनस k by a माइनस माइनस k by a, तो ये 0 ही आने वाला है। ऐसा कुछ हम देख सकते हैं। ओके, तो एक्चुअली में इन दिस क्वेश्चन ऐसे हमने 0 निकाल दिया। नाउ अब ऐसा हो सकता है कि you there might be an expectation that you are not able to integrate it like this, तो in that case कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने पाथ की इक्वेशन दे रखी है हमें, उन्होंने पाथ की इक्वेशन दे रखी है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये पाथ फॉलो करना है ना। तो अब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को जब हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन था, ये हम नहीं सोच पाए, जब हमारे पास ये वाला एफ डॉट डी आर में हमारे पास क्या एक्सप्रेशन था, डी डब्ल्यू और वर्क डन जो होगा हमारा दैट वुड बी इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 3/2 और इनटू के। ये वर्क डन का इंटीग्रल हमें करना था। तो इसको आप इस पूरे एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ या तो x लिख लो, इन टर्म्स ऑफ y लिख लो, तो अगर आप देखोगे तो एक्स डी एक्स की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई डी बाय ना, क्योंकि अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूं तो मेरे पास आ जाएगा 2x dx प्लस 2y dy इज इक्वल टू a स्क्वायर 0। तो x dx प्लस y dy जो है वो एट एनी पॉइंट 0 आने वाला है। आंसर आ गया 0, खत्म हो गया क्वेश्चन। कोई कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। पॉइंट इज कि अगर यहाँ पे y नहीं होता, अगर ये 1 होता तो x dx प्लस dy बन जाता, देन देयर वुड हैव बीन अ प्रॉब्लम, कि अब ये एग्जैक्ट इंटीग्रल फॉर्म में नहीं कर पाते हम सॉल्व इसे। बट हम क्या करते हैं, यहाँ से x dx की वैल्यू को y के टर्म्स में रिप्लेस करते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो ए क्यूब के बराबर हो जाता हमारा। ग्रेट, इसको मैं इधर y नहीं था मेरा तो इधर मैं y dy लिखता और ये ऐसे कुछ नीचे a क्यूब हो जाता। अब सीधे मैं इंटीग्रेट कर देता था। I could have done it like this. That is, so basically पाथ की इक्वेशन दे देते। So मैं कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में तो इंटीग्रेशन हो ही गया हमारा, तो मुझे पाथ चाहिए ही नहीं था। I did not need the path. But because अगर इंटीग्रेशन नहीं भी हो पाता तो अगर पाथ गिवन होता तो फिर मैं कैसे करता, वो सिंपल सी बात है कि यू ब्रिंग इट इन टर्म्स ऑफ अ सिंगल वेरिएबल। इज इट फाइन? ठीक है। यस, नो यू गाइस हैव एनी डाउट? कुछ पूछ रहे थे कोई, पीपल रेज हैंड्स एंड देन दे लोअर्ड सब कुछ। हाँ प्रभाव बोलो। भैया तो इस क्वेश्चन में तो बेसिकली वो पाथ के इंडिपेंडेंट हो गया ना, मतलब कुछ भी वो जीरो ही आएगा। हाँ, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन पाथ के इंडिपेंडेंटली आ गए। यहाँ से कहीं पे भी, कहीं से भी कहीं वर्क डन निकालो, जीरो ही आना है। ओके, यस, इन दिस क्वेश्चन पाथ से इंडिपेंडेंट हो गया वर्क डन एक्चुअली। नहीं, पाथ से एक से दोबारा समझ नहीं आया मुझे। एक से इन दिस क्वेश्चन आप कह रहे हो पाथ से इंडिपेंडेंट हो गया, कैसे पाथ से इंडिपेंडेंट कैसे हो गया वर्क डन जीरो? सॉरी मैंने नहीं लगाया तुम्हारे साथ ना बेटा। पाथ भी तो था, अगर पाथ जो ये वाला क्वेश्चन था जब मैं पूरा क्वेश्चन था x dx plus y dy, ये वाली सिचुएशन में कह रहे हो ना? हाँ जी भैया, तो उसमें तो इंटीग्रल जीरो ही आ रहा है ना, उसमें हमने शुरू में यूज नहीं किया कुछ भी। यहाँ पे जब आप कह रहे हो ये जीरो कब आ रहा है इंटीग्रल, वो तो जीरो तब आ रहा है जब a कॉमा जीरो से जीरो कॉमा ए पे जा रहे हो। हाँ, a कॉमा जीरो से जीरो कॉमा ए पे जाने में जीरो आएगा। बट हाँ, अगर जीरो कॉमा जीरो से a कॉमा ए पे जा रहे होते तो वर्क डन आ जाता है, इन दैट केस। हाँ, एक मतलब कॉमा जीरो से जीरो कॉमा ए के केस में कह रहे हो ना आप ये? हाँ, कि वो पाथ से इंडिपेंडेंट ही है। एक कॉमा जीरो से जीरो कॉमा ए तक वो पाथ से इंडिपेंडेंट है, ये बात सही है। नहीं भैया, अगर जीरो कॉमा जीरो से भी कहीं वो जा रहा होता हाँ, तो फिर भी हम ये इंटीग्रल तो कर ही पाते हैं। तो उसकी हाँ, जो जीरो नहीं बोल पाते हम, उसे जीरो नहीं बोल पाते, लिमिट्स से प्रॉब्लम हो जाती है ना मेरे को। यू आर राइट, मतलब अगेन सो दोबारा से बात कर लेते हैं। बिकॉज ये इंटीग्रेशन हो पा रहा है, because of that I can say that this force is a conservative force. Conservative force का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी भी दो पॉइंट के बीच में वर्क डन निकालेंगे तो आप किसी भी पाथ से आए वर्क डन सेम आएगा। Yes, that is true in this case. वो जीरो आएगा ये बात नहीं है, सेम आएगा ये बात ठीक है, किसी भी दो पॉइंट के बीच में। तो यहाँ पे एक कॉमा जीरो से जीरो कॉमा ए के बीच में जीरो आ रहा है and it has nothing to do whether you are moving along the circle or whether you are not moving along the circle. It has to nothing to do with that. Yes, अगर यहाँ पे ये y नहीं होता या फिर ये exactly integrable form नहीं होती, then we would be stuck. Then we would need to know the path to calculate the work done. And in that case, that basically means it is a non-conservative force. Are we able to understand this? ठीक है. Moving on, if we see this. There is another question. Two men, एक का मास 60 kg, एक का मास 80 kg है. They stand on a plank जिसका मास 20 kg है. Both of them can jump with a velocity 1 meter per second relative to the plank. In each case event shown in column 1, find the velocity of the plank after the event. Okay. तो मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है तो कि एक इंसान प्लैंक पे खड़ा हुआ है, प्लैंक से कूद गया है तो फिर क्या हो रहा है, मतलब आई थिंक दैट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। आई वांट टू डिस्कस दिस सी एंड डी पार्ट एक्चुअली, ए और बी आप खुद से निकाल लेना, सी और डी पार्ट को डिस्कस करना चाहता हूँ मैं। सी डी में क्या है, श्याम जम्प्स टू द राइट एंड राम जम्प्स टू द लेफ्ट साइमल्टेनियसली। नाउ दैट बेसिकली मीन्स कि मेरे पास ये प्लैंक है, अब प्लैंक की अगर मान लेते हैं कुछ वेलोसिटी v अचीव हो जाती है, अब श्याम की जो वेलोसिटी है, राम की जो वेलोसिटी है, राम जंप किया 1 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट की तरफ, विच इज उसकी नेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 1 माइनस v हो जाएगी, श्याम की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 1 प्लस v हो जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था ऐसा क्यों होगा। दे आर जंपिंग विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू द प्लैंक, ठीक है। बहुत बार इसमें ये फीलिंग आती है तो हिलेगा ही नहीं बिल्कुल, देयर विल बी नो मोशन एट ऑल, ठीक है। अब इनिशियली क्या था, इनिशियली कोई मोमेंटम नहीं था, तो इसका मास कितना है, राम का मास कितना है 60 और श्याम का मास है 80 kg और इसका मास है 20 kg। तो अगर मैं इक्वली अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करूँ तो 0 = 20v + 80 × 1 + v -60 × 1 - v, या इसको बराबर कर दो, इसके 60 × 1 - v के बराबर कर दो इसे, तो यहाँ से v की वैल्यू सॉल्व करेंगे 20 + 80 = 160 = -20 160 v = -1/8 मीटर पर सेकंड। राइट की तरफ वेलोसिटी को पॉजिटिव माना हुआ है इन्होंने, ये पॉजिटिव दिखा रखा है तो -1/8 मीटर पर सेकंड ये आ गया आंसर। इसका मतलब c इज मैपिंग विद s, ओके। Now, दूसरा पार्ट है इसमें D, Ram jumps to the left and then Shyam jumps to the right. Now, do you see any difference in these two parts? When they are jumping simultaneously, then that is different from when they are jumping one after the other. क्या मतलब है इस बात को देखिए, अलग आंसर आएगा हमारे पास, ठीक है। तो इस बार क्या हो रहा है, पहले राम लेफ्ट की तरफ जंप किया, तो अब राम लेफ्ट की तरफ जंप किया तो श्याम प्लैंक के ऊपर ही खड़ा हुआ है अभी, ठीक है। और अभी कितना मास हो गया इसका 80 और 20, इसकी वेलोसिटी कुछ v मान लेते हैं, राम की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड इधर की तरफ है तो इसकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 1 प्लस v हो जाएगी, नहीं 1 माइनस v हो जाएगी। तो 1 माइनस v × 60 kg का मास इज इक्वल टू 100 × v, तो ऐसे v की वैल्यू आ जाएगी 60 अपॉन 160, दैट इज 3/8 मीटर पर सेकंड। That is great. So, इधर की तरफ 3/8 मीटर पर सेकंड से प्लैंक जा रहा है। अब उसके बाद अब हमारे पास अब सिचुएशन क्या है कि इधर 3/8 मीटर पर सेकंड से प्लैंक जा रहा है। अब जो है श्याम भी इधर की तरफ कूदता है, इसकी मान लेते हैं v डैश वेलोसिटी है इधर की तरफ, और श्याम इधर की तरफ कूदता है विद 1 - v डैश और सॉरी 1 + v डैश होगा, 1 विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 1 + v डैश हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे 100 × 3/8, जो इनिशियल मोमेंटम था सिस्टम का, ये इनिशियल मोमेंटम वाली सिचुएशन है, 3/8 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 80 kg × 1 प्लस v डैश और ये कितना 20 × + 20 × v डैश। तो यहाँ से हमें v डैश की वैल्यू निकालनी है, कितनी आ रही है v डैश की वैल्यू यहाँ से, हंड्रेड बाई एट। इस बार v डैश वैल्यू कितनी आ रही है, तो 300 - 17/40 640 - 340 / 8, ये आएगा 800 हो गया ये v डैश के लिए, और ये 17 और 40 आ गया। तो v डैश की वैल्यू आ रही है -17/40 मीटर पर सेकंड। So this case will be mapping with this answer, which is again different from both the cases are different, right? यहाँ पे this is different and this case में answer कुछ अलग है। बात समझ आ रही है कुछ? So मतलब there is a difference between jumping simultaneously and there is a difference between jumping one after the other. That is what I wanted to understand in this question. Okay? Great. ठीक है। So we were talking about level 2 questions of ENM ना, एक और पार्ट भी इसका, yes। let me look at a few more questions. So what is happening in this particular question is that you have a circular track. And in that circular track, there is a block of mass 10 kg. उस ब्लॉक पे हम एक 200 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। एंड ये फोर्स जो है ना, इस बार इस फोर्स के बारे में स्पेशल क्या है कि ये फोर्स हमेशा बी की तरफ डायरेक्टेड है। फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स बी। तो डू यू थिंक द वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट? ऑब्वियसली नॉट। जब ये ब्लॉक यहाँ पहुंच जाएगा तो फोर्स कुछ ऐसे लग रही होगी, अभी फोर्स कुछ ऐसे लग रही है, जब आगे पहुंच जाएगा तो फोर्स की डायरेक्शन बदलती चली जाएगी ना यहाँ पे। Is it okay? Now you need to find out the speed of the block when it reaches B. जब वो B पे पहुंच जाएगा तो आपको ब्लॉक की स्पीड बतानी है कि स्पीड कितनी होगी आपके ब्लॉक की। So yeah. So basically, essentially, what is happening is work done by P is equal to change in gravitational potential energy plus change in kinetic energy. That is what is happening. तो यहाँ पे रेस्ट पे था, that is okay. तो अब जीपी में चेंज तो हमें पता चल जाएगा आसानी से, एम जी आर प्लस काइनेटिक एनर्जी का चेंज हमें निकालना है एक्चुअली में, हाफ एम वी स्क्वायर वी निकालना है। एसेंशियली हमारे लिए वर्क डन बाई फोर्स पी निकालना है। फोर्स के बारे में बातें करी हुई है ना, फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो हमें वर्क डन बाई दिस फोर्स पी निकालना है कितना होगा। ओके, तो वर्क डन बाई फोर्स कैसे निकालते हैं हम लोग? F डॉट x करना है हमें, वर्क डन बाय फोर्स। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर देता हूं, P इनटू, अगर मैं देखूं तो रूट टू आर लिख देता हूं, P इनटू रूट टू आर। कैन आई राइट दैट? हाँ, फोर्स इज P एंड डिस्प्लेसमेंट इज रूट टू आर। नो, देयर शुड बी अ प्रॉब्लम। व्हाई देयर शुड बी अ प्रॉब्लम इन दैट? डॉट प्रोडक्ट होता है वो, डॉट प्रोडक्ट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट रूट टू आर है और फोर्स भी इधर की तरफ है, तो इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट पी रूट टू आर हो गया। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस? फोर्स की डायरेक्शन तो एक तरीके से वेरिंग होगी और डिस्प्लेसमेंट एक कांस्टेंट एंगल पे ए की और बी के बीच में। हां हां, तो फिर बीच में कुछ एंगल चेंज हो, जैसे एंगल बदल, दैट इज व्हाट इज द पॉइंट। पॉइंट ये है कि जो फोर्स है उसके बीच में और क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल, डिस्प्लेसमेंट इज एसेंशियली टेंजेंशियल। अगर आप कोई छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लो, dl सपोजिटली, क्या कहते हैं, अगर आप कोई छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करो, तो अगर मैं एक थीटा एंगल कंसीडर कर लूँ यहाँ पे, तो dl की वैल्यू rd थीटा है, दैट्स ओके। वो टेंजेंशियल होगा, बट जो फोर्स होगी वो इस बी पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है। जो फोर्स है वो इस बी पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है। सो इन दिस सिनेरियो फोर्स की डायरेक्शन, जो पी की डायरेक्शन है वो ये है, और जो dl की डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो ये है, ठीक है। अब हम ये बात सोचें कि एफ डॉट डी एल, अगर मैं डी डब्ल्यू की बात करूंगा तो वो एफ डॉट डी एल होगा। अब फोर्स और डी एल के बीच का एंगल कितना है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डी एल? फोर्स एंड डी एल के बीच का एंगल निकल सकता है क्या? ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। एंड ये लेंथ दोनों इक्वल हैं, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो जाएगा 90 प्लस थीटा का हाफ, 45 प्लस थीटा बाई 2 हो जाएगा। अगर आप सोचोगे तो ये वाला जो एंगल है ये 45 प्लस थीटा बाई 2 ऐसे कुछ हो जाएगा, विच बेसिकली इम्प्लाई कि ये वाला एंगल टोटल 90 है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 45 माइनस थीटा बाई 2। एफ डॉट डी एल के लिए होगा, पी का मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट है, डी एल इज आर डी थीटा into cos of 45 minus theta by 2. This will be your dw. Fine. This would be your dw, and then अगर if this is your dw, तो again इस बार हम लोग क्या करेंगे कि अगर network done निकालना है तो इसको integrate करना है, इसको integrate करना है, इसको integrate करना है, तो p into r बाहर आ जाएगा। cos of 45 minus theta by 2 का integral क्या होगा? sin of 45 minus theta by 2 अपॉन माइनस हाफ, तो ये माइनस 2 बाहर आ जाएगा। एंड इसके इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना होगा? थीटा की वैल्यू 0 से लेके पाई बाई 2 तक। दिस इज व्हाट हैज टू हैपन। ओके, एंड देन दैट बेसिकली बिकम्स इक्वल टू माइनस 2 पी आर और π/2 × 0। π/2 डालूंगा तो 0 आ जाएगा। 45 - 45 90 - 2 एंड देन 0 1/√2 ऐसे कुछ आ जाएगा। -1/√2 इनफैक्ट प्लस ही हो जाएगा ये, तो ये पी आर √2 आ गया। मैं पहले क्या बोल रहा था? p√2i तो बोल रहा था मैं। Now again, this is a coincidence, guys. Don't worry, don't worry about it. It's a coincidence, or maybe not, but still a coincidence. Don't worry. ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। तो ऐसे कुछ आ गया, तो इसको आप इधर डाल सकते हो। मतलब there is no way I can tell you कि ये कैसे आप directly खुद से कैसे कर सकते हो। So don't worry. And then बस फिर यहाँ से देखो, आपको m तो पता ही है, mg पता है, 100 है, 100 × 2 200 हो गए ये, और p की वैल्यू कितने की बनती? 200 × √2 r 2√2 तो 400 √2 ये हो जाएगा। एंड देन आई एम श्योर यू हैव दीज वैल्यूज। m की वैल्यू 10 है, 5 तो v की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी यहाँ से गाइस। सिंपल इक्वेशन, इसको 200 को इधर ले जाओ, सबट्रैक्ट करो। थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है क्योंकि 400 √2 की वैल्यू 1.4 लेके फिर करना पड़ेगा, बट कर लोगे वो तो। आई डोंट थिंक दैट इज बिग डील इवेंचुअली। ओके, बताओ क्या डाउट है आप लोगों को? इज देयर एनी डाउट इन दिस? मतलब अगेन ये जो तरीका है ना, ये थोड़ा सा बड़ा ही, मतलब इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग। मे बी यू विल हैव टू सी दिस कि कैसे, मतलब मे बी क्या ये तो बस देखना ही पड़ेगा। मतलब थोड़ा मुश्किल तरीका है ये, मुश्किल तरीका क्या एक ही तरीका है, और ये थोड़ा अजीब है, तो ऐसे कुछ हमें करना पड़ेगा। और कुछ कह सकता था क्या मैं? वॉज देयर एनीथिंग एनी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दैट कुड हैव बीन गिवन कि या भैया p और सीधे r√2 ले लो ना। कुछ बोला जा सकता था, बट मतलब वो समझाने में मुझे इतनी मेहनत लग जाएगी कि समझ भी नहीं आएगा और कंफ्यूजन ही होगा। तो दैट इज ओके। लेट अस लुक एट अनदर प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज दैट देयर इज अ ट्यूब। वी हैव अ ट्यूब ओवर हियर, एंड इस ट्यूब में हमारे पास चेन है एक बीच में, इसके अंदर ना वी हैव अ चेन इनसाइड इट। Now you need to find the velocity of the chain। जब ये चेन ऐसे बाहर, इसको आप छोड़ दोगे यहाँ से, तो ये कुछ इधर स्लाइड करने स्टार्ट करेगी, तो थोड़ी देर बाद चेन ये बाहर नीचे निकल आएगी। तो आपको जब ये चेन पूरी इससे बाहर आ जाएगी, आपको इस चेन की वेलोसिटी बतानी है कि चेन की वेलोसिटी कितनी हो गई होगी। सो लेट अस स्टार्ट विद द एनर्जी एंड मोमेंटम के क्वेश्चंस व्हिच वी वर डिस्कसिंग इन द लास्ट क्लास। मतलब डिस्कस तो हमने जो करने थे कर लिए थे। ये शायद मैंने होमवर्क दिया था ये वाला क्वेश्चन में। ऐसे एक हमारे पास सपोजली वी हैव अ डिस्क, एंड देन उस डिस्क में अगर मैं स्क्वायर शीट अगर कट कर दिए तो आपको सेंटर ऑफ मास निकालना था। तो ये तो आपको पता ही होगा कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। इट इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम। यू जस्ट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द मास विच इज़ अगेन। इसका मास कुछ अगर m मान लेते हो, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर कुछ हो जाएगा, और इसका मास कुछ m डैश अगर अज्यूम कर लो आप। तो इसको मतलब आपको क्या करना है कि पूरी डिस्क m1 मास की जैसे दिस, और प्लस एक हमारे पास स्क्वायर शीट है जिसकी मास डेंसिटी को माइनस सिग्मा करना होता था ना हमें। तो अगर इसके m2 मास की अगर बात की जाएगी तो माइनस सिग्मा इंटू a स्क्वायर, और a की वैल्यू में यहाँ पे आप देख सकते हो कि a = r√2 a = r ऐसा कुछ सोच सकते हो यहाँ पे। इज इट ओके? गलती कुछ लोग a 2a को r कर देते हैं, वहाँ गलती करते हैं। a की वैल्यू r/√2 कुछ हो जाएगी, तो माइनस सिग्मा इंटू r² बाई 2 ऐसे कुछ m2 मास आ जाएगा। एंड देन सेंट्रल मास की अगर बात की जाएगी तो सेंट्रल मास का जो कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट जो है सेंट्रल मास का, वो बड़ा सिंपल सा है। m1 × 0 प्लस m2 × ठीक है। पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर Just give me a second. Let's see if the problem still happens, then I will change the treatments. It'll take some time. Yeah. Okay. Is it visible now? Yeah, it is visible, but still pixelated. है थोड़ा. नहीं अब तो ठीक है. I think I can see the feedback. तो ठीक ही आ रहा है. मेरा तो मेरे लिए हो रहा होगा सर, पता नहीं. हमें इलास्टिक अज्यूम करना है. That is the thought. Now it is becoming very, very irritating. Just give me a second. So in this question, जब हम इसे solve करना चाहेंगे तो ये आपने पहले भी हमने किए हैं ऐसे questions को. The thought here is that एक initial velocity diagram बनाते हैं, impulse diagram बनाते हैं, final velocity diagram बनाते हैं. That is it. So oblique collision का impulse example है ये. तो initial velocity diagram में इसकी velocity कुछ v naught है and then इधर ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस ईटा डी है. तो आप इसमें अगर इनिशियल वेलोसिटी डायग्राम तो ठीक है, इंपल्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इस पर कुछ इंपल्स इधर की तरफ लगेगा आई, और इस पर कुछ इंपल्स इधर की तरफ लगेगा आई. एंड वी वांट इस पे ऑब्वियसली वापस इंपल्स ऐसे लगेगा आई और आई. सिमेट्रिकली ले सकते हैं आई को तो हम लोग. एंड वी वॉन्ट टू आई कॉस थीटा टू बी इक्वल टू एम वी नॉट. That is essentially what we want. And अगर मैं final velocity इनकी इसकी कुछ इधर की तरफ v1 बोल देता हूँ, इसकी कुछ v2 बोल देता हूँ, तो we should be able to conserve the momentum of the system. So we can say 2m और I की value को I should be able to write as mv2 also. और v1 v2 भी बोलूँगा, same ही तो बोलूँगा mv1. ठीक है. And उन्होंने बोला इलास्टिक कोलिजन है. इस वाली प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ किया जाएगा? E की वैल्यू जाएगी v1 माइनस, अगर ये एंगल थीटा है तो v0 cos थीटा. v सेपरेशन है ये और v अप्रोच था, तो v सेपरेशन इज इक्वल टू e टाइम्स v अप्रोच. और e की वैल्यू 1 है और v अप्रोच कितना हो जाएगा? v1 इज दी v सेपरेशन. मैंने सेम डायग्राम में बना दिया ना, इसलिए कर. इनिशियली v0 वेलोसिटी थी, इम्पल्स हमने यहाँ मार्क कर दिए, एंड फाइनल वेलोसिटी जो है ये रेस्ट पे है, और ये दोनों कुछ इधर v1 से ज़्यादा है. अगर मैं मोमेंटम कंजर्व करता हूँ तो 2mv1 cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू mv नॉट. यहाँ से मेरे पास v1 की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ थीटा, दैट इज v नॉट अपॉन 2 cos थीटा. v सेपरेशन इज e टाइम्स v अप्रोच एंड v सेपरेशन वुड बी v1, क्यों? क्योंकि ये तो रेस्ट पे है, इधर की तरफ इनके कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग वेलोसिटी v1 है. e टाइम्स e इज 1, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है? v नॉट का ये कॉम्पोनेंट v नॉट cos थीटा. ठीक है. हमें निकालना क्या है? हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है एसेंशियली. अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो, अगर आप ध्यान से देखोगे थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग? यहाँ पे v1 की वैल्यू को v0 अपॉन 2 cos थीटा को जैसे डाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू v0 cos थीटा, व्हिच वुड इंप्लाई cos थीटा की वैल्यू इज 1/√2, व्हिच इज लाइक थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज. नाउ एज सून एज वी रियलाइज दैट दिस थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, सो दिस होल एंगल विल बिकम 90. दिस इज d एंड दिस विल बिकम √2d. तो जो ईटा की वैल्यू है वो √2 आ जाएगी. ये समझ आया क्या? यस, होपफुली वी गॉट. कुछ और भी एंगल आ जाता तो हमें पता चल जाता कि इसकी वैल्यू कितनी है. d sin थीटा ट्वाइस, d sin 2d sin थीटा कुछ ऐसे हो जाता. सो that should not be a problem. ठीक है guys, so मतलब again a very basic question of energy and momentum. Let me look at this another question. It says the ball hits the wall perpendicularly. जो ball है हम इसे throw कर रहे हैं तो वो जाके wall को perpendicularly hit करती है, ठीक है? You need to find E such that the ball returns to the point of projection. हम चाहते हैं बॉल वापस P पे आ जाए after one bounce on the ground, after taking a bounce on the ground. It's again an easy question if we have understood when we talked about this question earlier. But the thought here is कि भाई अगर आप इसे u velocity से आपने फेंका तो आपको क्या वैल्यू निकालनी है, e की वैल्यू निकालनी है ना। तो अगर आपने supposedly से u velocity से यहाँ फेंका है तो again obviously एक horizontal component होगा, एक vertical component होगा। इस पॉइंट पे जब ये टकराएगा पार्टिकल तो उसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो u cos थीटा होगी। टकराने के जस्ट बाद एग्जैक्टली वेलोसिटी कुछ इधर कुछ आएगी और वो u cos थीटा हो जाएगी। अगर कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन e है, बात समझ आ रही है क्या? ठीक है, एंड देन उसके बाद इट विल फॉल लाइक दिस, जो भी हाइट h होगी। अब ये h हाइट से ऐसे फॉल अगर कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते इट वुड हैव गॉट, इसको कुछ एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, कुछ हॉरिजॉन्टल तो यू कॉस थीटा ही होगी इस पॉइंट पे। तो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो जाएगी, अगर आप नोटिस करोगे तो यू साइन थीटा। ये बात समझ आ रही है कि यू साइन थीटा कैसे जाएगी वर्टिकल वेलोसिटी? मतलब थोड़ा लॉजिकल सी बात है, इसे सोचना पड़ सकता है काफ़ी अच्छे से। तो इधर कुछ ये हाइट है एच, ये अगर आप देखेंगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होगी ये h। अब यहाँ पे पार्टिकल को आपने छोड़ा h हाइट से, वर्टिकल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी जाएगी अंडर द रूट 2gy आ जाएगी, क्योंकि vy स्क्वायर इनिशियली vy 0 है, uy 0 है, प्लस 2gy, y की वैल्यू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कुछ ऐसा आ जाएगा। वहाँ से ऑब्वियसली आप ये देख सकते हो कि vy की जो वैल्यू है वो u साइन थीटा आ जाएगी, विच इज इफेक्टिवली मेरे को एकदम डायरेक्टली कैसे समझ आ गया था कि भाई वाई एक्सेस वाले मोशन में तो कोई चेंज ही नहीं आया ना। तो पहले अगर बिना कोलिजन होते हुए जब ग्राउंड को हिट करता तो वाई एक्सेस के लॉन्ग यू साइन थीटा ही वेलोसिटी होती थी, अभी भी वाई एक्सेस के लॉन्ग यू साइन थीटा ही वेलोसिटी होती है। ग्रेट, तो यू साइन थीटा इधर की तरफ आ गया, यू कॉस थीटा इधर की तरफ आ गया। तो अब अगर आप नोटिस करेंगे तो अगेन जो हमने पहले भी सीखा था कि अब फिर उसके बाद ऐसे कुछ ही मूव करेगा। इधर इसकी कुछ वेलोसिटी कोलिजन के बाद कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग वेलोसिटी चेंज हो जाती है, ई टाइम हो जाती है, तो ऊपर की तरफ यू साइन थीटा वेलोसिटी आ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि P1 नहीं, सॉरी, अगर मुझे ये वापस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे पहुंचना है इसे, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था दैट वाज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g, और 2 भी हाफ ही था ये जो P से O पॉइंट तक का डिस्टेंस है। और वापस आते समय टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा जो टाइम ऑफ फ्लाइट बाय हाफ होता है, विच इज यू साइन थीटा बाई जी इंटू वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल यू कॉस थीटा, प्लस ये वाला जो डिस्टेंस है। ये कैसे कवर करेंगे कि टाइम जो लगेगा यहाँ पे ऊपर की तरफ 2eu साइन थीटा बाई जी इंटू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी eu कॉस थीटा। ये बात समझ आई क्या? दोबारा से बताता हूँ क्या बात होगी। हम कह रहे हैं कि जब पार्टिकल ऊपर यहाँ तक पहुँचेगा तो P से O इस पॉइंट इस लाइन पे पहुँचने पे जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ d है। d की वैल्यू को आई कैन राइट इज यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, वो रेंज का आधा है बेसिकली, दैट इज सिंपल। वापस आते समय जो टाइम लगेगा वो आप समझ सकते हैं कि भाई टॉप मोस्ट पॉइंट से नीचे आ रहा है तो वो जितना ऊपर जाने में टाइम लग रहा था यू साइन थीटा बाई जी, वही टाइम लग रहा होगा नीचे आने में भी यू साइन थीटा बाई जी। बस इस बार हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी वो यू कॉस थीटा है। अगर ये यू कॉस थीटा ही हो जाती है एग्जैक्टली तो वापस ऑटोमेटिकली जिस पॉइंट से आपने फेंका था उस पॉइंट पे आ जाता है, ठीक है। प्लस अगेन उसके बाद जब ये कोलाइड करेगा यहाँ पे तो इस बार वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि जो नॉर्मल इंपल्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, तो वर्टिकल वाली जो वेलोसिटी है वो ई टाइम्स वेलोसिटी में अप्रोच हो गई, ठीक है। तो वो यू साइन थीटा आ गई, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कॉस थीटा ही रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। तो उसमें जो डिस्टेंस होगा जो टाइम लगेगा 2u साइन थीटा लगेगा, 2u साइन थीटा बाई जी 2uy बाई जी टाइम ऑफ फ्लाइट होता है किसी भी प्रोजेक्टाइल का, इनटू eu cos थीटा जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा बाई जी कैंसिल हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू ई प्लस 2 टाइम्स ई स्क्वायर, ऐसा कुछ आता है विच इज सॉर्ट ऑफ 2e² प्लस ई माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो एक क्वाड्रेटिक है ई में विच वी शुड बी एबल टू सॉल्व इजीली बिकॉज आप इसे ऐसे लिख सकते हो प्रोडक्ट और मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हो ऐसे. तो ई 2e टाइम्स e प्लस 1 माइनस 1 टाइम्स e प्लस 1 विच इज 2e minus 1 into e plus 1 is equal to 0, so which basically tells me e की value half आ गई. So for this to happen, e की value must be equal to half. Are we okay? ठीक है. So that's basically okay. बताओ इसमें कोई चैलेंज है तो पूछो मेरे से. ठीक है. तो एग्जाम टाइम में जब क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो तो इसे परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करने का मतलब है कि अपने हाफ वाले पॉइंट पर पहुंचा तो आपको पहले वेलोसिटीज मार्क करनी होंगी कि वेलोसिटीज क्या होंगी थर्ड कोलिजन के बाद. और फिर आपको अगेन जो हम करते थे वो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम कर लेते थे, बट यहाँ पे थोड़ा सा ये रहेगा कि भाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, क्योंकि फाइनली अगर ओरिजिनल पॉइंट पे आना है तो यहाँ से राइट जाने का जो डिस्टेंस है और फिर वहाँ से वापस आने का जो डिस्टेंस है उसको इक्वेट कर दो आपके वापस ओरिजिनल फर्स्ट बाउंस के बाद, क्योंकि आप साइन थीटा कॉस थीटा यू के ई के टर्म्स में यू विल बी एबल टू फाइंड आउट योर डिस्टेंस कितना हो रहा है हर कोलिजन के बाद. अगर एक और कोलिजन हो जाता तो शायद अगेन थोड़ी क्यूबिक टाइप इक्वेशन बन जाती, बट दैट इज ओके, वो हम नहीं बना रहे. आर वी क्लियर? हाँ प्रभा बताओ क्या डाउट है भैया. जब इसका ग्राउंड के साथ कोलिजन हुआ तो भी हमने उसकी ई यू साइन थीटा कर दी, बट उसमें वॉल के साथ ही पूछा हुआ है ना, मतलब हम ग्राउंड के साथ ई मान सकते हैं उसे. हाँ, मतलब वो ई जो है उसका कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन मतलब कुछ दे नहीं रखा ना, तो वो तो सारे पे कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन ई बोल सकते हैं ना, क्योंकि मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो मान सकते हैं कि वॉल और ग्राउंड का मटेरियल सेम है. ठीक है. यस ओके. अनदर इजी क्वेश्चन ऑन कोलिजन्स. So what is happening is that there is a mass particle m and there is a sphere. ठीक है. अब ये mass particle m जो है वो हम कुछ height h से छोड़ते हैं तो वो इस sphere को टकरा रहा है and it undergoes a perfectly inelastic collision. So you are supposed to find out the velocity of the sphere after the collision. Maybe I can assume it is striking with velocity v0, where I know the value of v0 is equal to √2gh. उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, साइड पर होगा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कुछ v0 आ गई. अगर ये हाइट कुछ r0 है, r/2 है, तो ये एंगल अगर थीटा बोला जाए तो थीटा की वैल्यू भी हमें पता चल जाएगी कि जो साइन थीटा है दैट वुड बी इक्वल टू r/2r. So that would be 1/2. ऐसे कुछ कह सकते हैं हम लोग. समझ आई क्या बात है? ठीक है. एंड देन साइन थीटा की वैल्यू भी हम देख सकते हैं, तो फिर अगेन इसके अलावा वी कैन लुक एट कि इनिशियल जो वेलोसिटी है इसकी v0 cos थीटा कुछ इधर की तरफ है, इधर की तरफ v0 sin थीटा है. इनिशियल वेलोसिटी हम आगे इंपल्स की बात करेंगे तो एक इस पर इम्पल्स इधर की तरफ लगेगा, ग्राउंड से इम्पल्स इधर की तरफ लगेगा, पार्टिकल पे इसका रिएक्शन पे इम्पल्स के इधर लगेगा. फाइनल वेलोसिटी की बात करेंगे तो आप ये कह सकते हो कि ये जो पार्टिकल है उसकी कुछ इधर की तरफ वेलोसिटी जाएगी v0 sin थीटा लॉन्ग कॉमन टेंजेंट एंड लॉन्ग कॉमन नॉर्मल वी विल हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी. देखते हैं. एंड ये जो हमारा स्फीयर है इसकी कुछ हम वेलोसिटी भी इधर की तरफ कह सकते हैं, क्योंकि वर्टिकल तो ये उछल नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो इसकी वेलोसिटी इट विल बी इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस, तो इसकी कुछ वेलोसिटी v डैश हम कुछ ऐसे इधर की तरफ मार सकते हैं v1. ठीक है. इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो v सेपरेशन है, अगर ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो ये जो v सेपरेशन है मस्ट बी इक्वल टू 0 अलॉन्ग cn. ठीक है. तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग अगर आप देखेंगे तो ये एंगल थीटा था, तो विच मीन्स कि दिस एंगल इज थीटा और दिस एंगल इज थीटा बराबर 4। इसकी V1 का इधर वाला कंपोनेंट जो आएगा कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग वाला जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, V1 साइन थीटा। तो ये इस लाइन का एंगल थीटा दे रखा था ना, उसके परपेंडिकुलर अगर मैं लाइन बनाता हूँ तो उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा हो जाएगा। तो इसका V1 का ये वाला कंपोनेंट V1 साइन थीटा आ जाएगा। एंड वी कैन से कि अगर V सेपरेशन 0 है तो इसका भी ये वाला कंपोनेंट V1 साइन थीटा ही होना चाहिए ना, देखिए तो वेलोसिटी वाला कंपोनेंट। बात समझ आ रही है? Yes, V separation is equal to 0, so आप इसे V2 dash बोल सकते हो, and then from there also you could have argued, but मैं कह रहा हूँ कि हम थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं कि हम इसे V1 sin theta ही assume कर सकते हैं, तो शायद एक आध वेरिएबल लेना assume करना बचता है। एंड देन फिर अगेन पूरे सिस्टम के लिए जब हम देखेंगे तो ओनली इम्पल्स इज इन द वर्टिकल डायरेक्शन, तो मोमेंटम कंजर्व करना है तो 2m into v1 जो स्फीयर का मास into v1 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्व करना होगा। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पार्टिकल का जब देखेंगे तो अगेन दिस एंगल वाज थीटा, सो दिस विल बी थीटा। सो m v नॉट sin थीटा cos थीटा माइनस m v1 sin थीटा इनटू sin थीटा, ऐसे कुछ हो जाएगा। सो दिस विल बेसिकली मेक इट इक्वल टू m तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टाइम्स v1 plus v1 sin square theta will be v1 by 4 is equal to v naught sin theta cos theta. So sin theta is 1 by 2 ना, so v naught into sin theta 1 by 2 into root 3 by 2 ऐसे कुछ हो जाएगा। So this is 9 v1 by 4 is equal to this, which tells me कि v1 की जो वैल्यू है that is 4 तो कैंसिल हो गया, so root 3 v naught upon 9। हाँ अभी बताओ बेटा क्या प्रॉब्लम लग रही है? ये आपका वन नॉट अपडेट नहीं हो रहा, मतलब उसमें वो लिमिट्स लिखा आ रहा है तो वो अपडेट नहीं हो रहा। So yes, ये क्वेश्चन समझ आ गया क्या? आर वी एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड दिस आंसर? ठीक है, एग्जाम में आएगा तो सॉल्व हो पाएगा ये क्वेश्चन। तो देखो जो हमने पढ़ी है चीजें उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इट्स नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट मतलब कॉम्प्लिकेटेड एज इन कि थोड़ी कैलकुलेशंस हैं इसमें या थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में ज़्यादा, बट एग्जाम में ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है मेरे हिसाब से। वैल्यूज वगैरह इस हिसाब से दे रखेंगी, इट इज सॉल्वेबल सिमिलर। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो इसमें। ठीक है गाइस, okay, let us move on to the next part.